हेलो सर, वैन आ गई है, आ जाइए। ओके ए टावल दे रहे ए माइकल बह रहा है क्या टावल दे आईचा माइला ए चीनी कम क्यों डाली अबे चीनी कम पीनी चाहिए टकले कौन है तू अभी गोली मारता हूं अबे रुक ये गधे घोड़ा ढूंढ रहे क्या क्या मामू रिश्तेदार को बुला रहे क्या बोल मदद करूं तेरी हेलो पुलिस मामू मयूर अपार्टमेंट में आ जाओ पीआई शर्मा का किडनैप हो गया है अबे पुलिस को मामू बोलता भी बता तो रुक Back up! अरे क्या हुआ चाबी ऊपर ही भूल गया पवन उड़ के ले गया हाँ हमेशा मैं फंसता हूं अगली बार चाबी को जंजीर में और जंजीर को पैंट में बांध के रखना थैंक्स डार्लिंग लक्ष्मण वहां नहीं वो छठे माले पर है चलो है सर ओ कुछ तो गड़बड़ है अंदर से आवाज आ रही है सर ओ कृष्णा खोलो इन्हें ओके सर आ गए सुबह सुबह पीआई वासुदेव शर्मा को उनके घर से कुछ अज्ञात लोगों ने किडनैप कर लिया सारे किडनैपर्स मास्क पहने हुए थे वो भी फिल्मी सितारों के ऐसी किडनैपिंग 14 साल पहले भी हुई थी क्या ये वही किडनैपर्स हैं? क्या शहर में किडनैपिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुल गए हैं इतने सिस्टमेटिक ढंग से किडनैप कर लिया कितना डिमांड किया है 1 करोड़ सर 1 करोड़ वो हमारा आदमी था जितना मांगे मुंह पे फेंको तो कहाँ पहुंचा पिज्जा कॉर्नर पहुंचा सर चौकन्ने रहो ओके सर सुना मत सीढ़ियों के नीचे पार्किंग है हाँ दिख गई सर वहाँ खड़ी पिज्जा बाइक की डिक्की में रखना है मुझे उसका नंबर बताओ ठीक है सर AP09AS1234 सर AP09AS1234 जैसे ये गाड़ी दिखे उसे रोक लो अंकल सनी लियोन की फिल्म जा रहे हो अरे इस उम्र में आपको सनी देओल की फिल्म जाना चाहिए अगर गए तो आंटी को बोल दूंगा घंटी बजा देगी आपकी AP09AS1234 सर अभी अभी इस नंबर की बाइक मुझे दिखिए सर उसका पीछा करो वो जाना नहीं चाहिए सर वो गोल्ड माइन रोड से मुड़कर सीधा नदी की ओर जा रहा है पीछा करो उसका पीछा करो सर बहुत अच्छा मौका है सर उसको पीछे से गोली मार सकता हूँ मैं उसके साथी भी वहीं होंगे तुम जरा होशियारी से काम लेना उसे शक हो गया है इससे पहले कि वो अपनी गन चलाए मैं अपनी चलाता हूँ अंजाम पुलिस आ गई है पकड़ा उसे सर वो दूसरी गन चला रहा था सर कौन सी गन मूत्र विसर्जन ओ रुक 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 हेलो सर 1234 नंबर की बाइक मिल गई है आखिर ये चक्कर क्या है सर सर बोलिए किडनैपर्स ने सभी गाड़ियों पर एक ही नंबर लगाकर हमें बेवकूफ बनाया एक मिनट सिग्नल बहुत वीक है सर यादव उस पार्किंग से एक भी बाइक जाने मत देना हेलो यादव हेलो एक मिनट रुक मुझे सुन रहे हो ए जा रहे अबे यादव मेरे आने तक एक भी बाइक जाने मत देना जाने नहीं देना था क्या ओके सर थ्री
फोर। बहुत लेट कर रहा है, शादी का डबल चार्ज लूंगा। वो आएगा नहीं आएगा, वो आएगा नहीं आएगा, आइला बॉल पे बावली पूछ। hey, तू कहाँ है? 10 मिनट में शादी हो जाएगी। ओए मारे बिना कोई अंगूठी ना पहना सके। hey, बक्का धूप में बैठ के वो काली हो रही है, तू आ रहा है कि नहीं? पलक झपकते ही प्रकट होता हूँ। आइला राजा आ गया, संभाल गिरना नहीं। अंगूठी लाया क्या? उसकी स्कैनिंग बंद कर, अंगूठी निकाल। हाँ, हाँ, ये धार। चलो चलो पालमेड़ी हो गया तो अंदर चलो। भाई ने इज्जत बचा ली आज। अच्छा हुआ टाइम पे आ गया, वरना उसकी सुहागरात नहीं होती थी। आइला वो कहाँ गया? ये चलने भाई। तुम लोग जाओ, देखना मुझ बावले आशिक की हाय लगेगी। उसको मेरे साथ सेमीफाइनल खेला और फाइनल उसके साथ। पहली बॉल पे बोल्ड होगा, मतलब तलाक हो जाएगा। ओए राजा, और कितनी लड़कियों से ब्रेकअप होगा तेरा? कैसे कर लेता है यार? इससे और कोई सवाल नहीं मिला पूछने को। ये है राजा, आए दिन बचता है इसका बाजा। किसी कोर्ट में इतने तलाक नहीं होते जितने एक साल में इसके ब्रेकअप हो जाते हैं। थारा बेटा जवान हो गया है। लव यू डैड। अबे ब्लैंक चेक है। हे बेब्स, हाँ? कैसी लगी मारी पार्टी तुझे? पार्टी गई तेल लेने, ये बता वो अच्छी लग रही है या मैं? ये तो डिपेंड करता है आ रही हो या जा रही हो। तेरा ये काय साला रे? बोलती है शादी नहीं टाइम पास करेगी। ओ, मेरा बच्चा। गोदी लो ना बच्चे को। साल में 5-6 बार देवदास जैसी हालत हो जाती है। आरा लगन मारे से होगा क्योंकि कोई ना कोई बारो इसे छोड़ जाती है। सेल्फी राजा, हाईली एजुकेटेड, 10th फेल हर बोर्ड में। चुम्मेश्वर महाराज की कसम, लड़की की तरफ आग क्या उंगली भी नहीं उठाऊंगा। पर हमारा राजा भी अव्वल नंबर का ढीठ है। कितने भी ब्रेकअप क्यों ना हुए हो, कोई दूसरी पटाखा देखी नहीं कि प्यार की बैटरी चार्ज हुई नहीं, फिर से डिच होने को तैयार। हेल्प जानू। बावली पूछ, नो मींस नो। फिर से जवानी चढ़ी? ज्यादा ही चढ़ रही है बेटा। थैंक यू बाबा। अरे ध्यान से जा भाई, सिर्फ दिल ही नहीं कई बार शरीर भी घायल हो चुका है। लेकिन अगले ही पल अगला प्रपोजल मारने के लिए साहब फिर से तरोताजा होकर खड़े हो जाते हैं। तो क्या इन्हें अब इनके सपनों की राजकुमारी मिली, या हमारे भाईजान की तरह अब भी मारे मारे फिर रहे गली गली? राजू कुछ दे रहे, अगर नहीं है तो गाड़ी बेच के दे, लेकिन दे रहे। मांग रहे क्या? बोल ना चिकने, ब्लाउज में संभाल के रख, निकल। ए राजू, भगवान तेरे को मेरे जैसी लड़की दे। हाँ हेलो, गुड मॉर्निंग सर। बोल बावली पूछ, आपके लिए पैसा बचाओ ऑफर है। नहीं चाहिए थारा ऑफर। भाई साहब। हाँ भाई। शादी नहीं हुई क्या थारी? नहीं हुई, कोई है तो बता। तभी इतने उतावले लग रहे हो। चल बावली पूछ, ये ऐसे नहीं मारेगा। ए, सब लोग इतने उतावले क्यों हो गए? उखाड़ के फेंक दूंगा सबका। चलो चलो जल्दी करो, वो लोग आ रहे हैं, जल्दी। ओह मैडम, ये सिर्फ पीली है, काली पीली नहीं है, प्राइवेट कार है, ऑटो वहाँ पर है। हा? प्राइवेट पब्लिक, समझी? चलिए मैडम उतरिए। हेलो, मैं मीटर से नहीं चलता हूँ, ना ही लाली पाउडर पर फिसलता हूँ। ए कौन है बावली पूछ? अरे को अभी देखता हूँ। तेरे बाप का रोड है, तू जाना अपने घर का। डिलीवर कर, चल भाग जा। रोगे नहीं तुम? मारी गाड़ी पीछे से ठोकी, थारी गाड़ी आगे से ठोकता। मैडम अरे क्या कर रही हो? हटाओ हटाओ हटाओ, अरे हटाओ। मैं हटा तो रही हूं। अरे घाघरा नहीं, पैर हटाओ।
ये चलता फिरता गुलदस्ता तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है? गुलदस्ते में कांटे भी हैं, जल्दी चलो। सुहागरा तुम्हारी है, मेरे पीछे क्यों पड़े? तुम्हारी कार एकदम चूहे की जैसी है। चूहा चूहा बोलती है? देख अब चूहा बिल में घुसेगा और बिल्ली नहीं घुस पाएगी। खिड़की से मुंह क्यों निकाल रही है? वो लोग नजदीक आ गए। ऐसा क्या कर रहा है भाई जो उसका कपड़ा बाहर आ रहा है? पकड़ पकड़ जल्दी पकड़। अरे स्टीयरिंग स्टीयरिंग पकड़। जल्दी काट। क्या काटूं? अरे अपना कपड़ा। नहीं है क्या, बाल काटेगी? सही सरकार चुनो जो तुम्हारे घर तक पानी पहुंचाए। बताओ इनकी प्यास कब बुझेगी? 10 मिनट बाद। अभी ओए बिंदास कार में बैठना। ओए थर पप्पा की गाड़ी है, निकल बस। चल निकल निकल बावली पूछ। इसे घर से भगा कर लाया है, कुछ चुराया है या नहीं? हाँ, सोना पैसा बाप की लंगोट सब लेकर आयो। जाओ ना पानी भरो, नहीं तो सूख जाएगा। जा जाओ। रानी की तरह रखना इसको। सारी बेटी लगे जो इतना दर्द। अरे हाँ बावली पूछ, तू कौन है, कहाँ से आई और कहाँ को जाएगी, बता मारे को। जब पैदा हुई तो पापा ने 5 किलो सोना बांटा था और मेरे नन्हे नन्हे हाथ हीरों से भरे हुए थे और पापा मुझे कपड़े में लपेट कर कुछ कुछ कर रहे थे। नहीं नहीं ताई, तुमको नहीं बोल रहा हूँ। अरे यार सीधा मुद्दे पर आना। अरे तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ जानना था ना, इसीलिए मैंने शुरू से ही शुरू कर दिया। दिमाग में जा रही है, तू इतना सज धज के मेरी गाड़ी में क्यों बैठी ये बता। बहरी है क्या? बताती हूँ, जब भी मैं किसी से प्यार करती हूँ प्रपोज करने के पहले ही उसकी शादी हो जाती है। मेरी किस्मत में ही जाले लगे हुए हैं, अब तो 50 का आंकड़ा पार हो चुका है, कुंवारी मरूंगी। मेरे पे गई है। एक बार लाइफ में आगे बोल। जोसेफ ने एंट्री मारी, उसे देखकर मेरा दिल अंगड़ाई लेने लगता था। वो इंग्लिश के प्रोफेसर थे लेकिन मैं तो उनसे प्यार का पाठ पढ़ रही थी। वो मेरे चक्कर में नहीं आ रहे थे इसीलिए मैं उनके इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगी। मैंने हरियाली बाबा से हिम्मत का तावीज लिया और सारे भगवान से ब्लेसिंग्स लेने पहुंची कि आज उसे प्रपोज कर ही दूंगी। ये मुझे नहीं मिला तो कुएं में कूद जाएगी, एसिड पी लेगी, यही ना। अरे मार्केट में निकल, एक से गबरू घूम रहे हैं। एक आइडिया है, मैंने उसकी वेडिंग ड्रेस चुरा ली तो शादी कैसे होती? वेडिंग ड्रेस चुरा कर मैं वहाँ से भागी और तुम्हारी कार में आ गई। लव स्टोरीज दुनिया में बहुत है पर तेरी वाली तो सबसे ज्यादा बकवास है। ऐसा क्या? और क्या? फोन दे। अरे फोन दे रहे। फोन की भीख तो तमीज से मांग। हेलो। हेलो। हाँ मैगी। प्रिया, शादी कैंसिल हो गई ना? अरे बात ये है कि वो एक मिनट रुको रुको, अब बको। जब से तू यहाँ से भागी है ना, तेरा बाप बौखलाया हुआ है। तू जैसे ही मिलेगी ना तो 70 साल के आदमी से भी तेरी शादी करा देगा। मम्मी काकी निशाना देख के लगाओ ना। थारे को कोई हाई रेटेड गबरू नहीं मिला क्या? कहाँ से मिलेगा, सब तो दो दो तीन दिन लेकर घूम रहे हैं। तुम्हारी वाली कैसी है? मेरी वाली सौंदर्य इस दुनिया से अलग है, बात दिल से करती है, डेटा फोन का खत्म होता है, मारे लिए वो सब कुछ है। ये गिफ्ट्स क्यों रखे? सौंदर्य के लिए, उसी से तो मिलने जा रहा हूँ। क्या खूब कहा, मुझे भी हर जगह सौंदर्य नजर आती है, उस बुढ़ी में, उस पाव वाले में और इस बाइक। सौंदर्य मेरी मारी सौंदर्य 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 मम्मे, अरे ये क्या कर रही है, किसके साथ बैठी है तू? ये धोखा बंद है, मैं हूँ मैं। अरे किस बावली पूछ के साथ बैठी है? अरे पगली पहचान नहीं रही मुझे? ए, ए, थारे को पाप लगेगा। हाँ क्वालिटी अच्छा है सौंदर्य। क्या हुआ, अब क्या करोगे?
बंबई के मौसम और लड़कियों का भरोसा नहीं कर सकते, कभी भी बरसती है। अब इन गुब्बारों से खेलने की उम्र भी चली गई है, कोई ISI मार्क वाली मिल जाए तो मैं भी ऐसा खोपचा पकड़ के सेट हो जाऊं। वैसे तुम्हें लड़की चाहिए किस टाइप की? टाइप तो कोई भी चलेगा, बस धोखेबाज टाइप नहीं चलेगा। वैसे तुम्हें किस टाइप का लड़का चाहिए? बाहर से कड़क होना चाहिए मारी तरह, और अंदर से सॉफ्ट मारी तरह। मुझे तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही चाहिए। मैं तो छठी में 6 बार फेल हुआ हूँ। हर चैनल हर अखबार में बस एक ही न्यूज है, जो पुलिस अपने डिपार्टमेंट के लोगों की सुरक्षा नहीं कर सकती वो पब्लिक की सुरक्षा क्या करेगी। इससे पहले कि ये मामला और सीरियस हो हमें कुछ करना होगा। सर अगर ये केस दिलीप सर को दें तो कैसा रहेगा? ये दिलीप कौन है? सर आप भूल गए, काफी साल पहले एक मास गैंग ने पूरे शहर में हलचल मचाई हुई थी। उन्होंने हमारे शहर के जाने माने MLA को किडनैप किया था। उस वक्त ये केस बड़ी आसानी और चालाकी से दिलीप सर ने सॉल्व किया था। ये केस वही सॉल्व करेगा। कॉल हिम राइट नाउ। हेलो, नए कमिश्नर पुराने पुलिस स्टेशन पहुंच गए। क्या बिना बताए वहां पहुंच गए? वहाँ कर क्या रहे हैं? साहब पप्पू पान वाला, शकील चाय वाला और सलीम बड़ा पाव की केस फाइल खोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें शक है कि इनमें से कोई किडनैपर है। चल बे। दस भैया, दस भैया, आप पानी में क्या? मेरी बात तो सुनिए। तेरी तो। अरे भाव एक सेकंड। ये किडनैपर्स नहीं है, आप बेकार में इन्हें मार रहे हैं। तू अपना काम कर। बसा भैया के अलावा सबको उठा लाए सर। अरे बच के कहाँ जाएगा, इसका एनकाउंटर मैं इच करूंगा। धड़ाम धड़ाम। ₹90 ₹50 ₹100 ₹50 ₹110 ठीक है, 51 में सौदा डन। शौचालय में भावताव नहीं करता, यहाँ पर क्यों कर रहा बावली पूछ? अबे इतने अच्छे कपड़े पहन के ऐसी भाषा क्यों बोल रहा है? ताकि सबको लगे सब्जियाँ ब्रांडेड है। मैं एक सॉफ्टवेयर बनाने वाला हूँ जिससे पत्थर भी बॉम्ब बन जाएगा। ए, भागो आतंकवादी आ गए। देखा टेस्टिंग भी हो गई। थोड़े पैसे जमा हो जाए ना तो तेरा दिमाग जो गिरवी रखा है वापस ले आऊंगा। मतलब तेरे हिसाब से उस लंगूर में सारी खूबियाँ हैं? अरे एकदम कड़क है, बस हमें ये पता करना है कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या नहीं। बेटा इतना ड्रेसिंग मार के कहाँ जा रहा है? पापा वो हर बार तुझे लड़की छोड़ के चली जाती है, सेटल कब होगा? उसी लड़की से शादी करूंगा जिसका ब्लड ग्रुप X पॉजिटिव हो। पापा को तो पसंद आ जाएगा, तुम भी एक बार उसे देख लोगी ना तो तुम लार टपकाने लगोगी। हाँ चल देखते हैं। सर 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 की खटिया चुर चुर करती। ए भाजी वाले, कद्दू कितने का? 90 80 100 70 110 में लेना है तो। राजा बज गया तेरा बाजा। ये तो सब्जी वाला है, है? मारी इज्जत का फलूदा हो गया। अहिला क्या हुआ ब्रो? इस ताई को फंदा बना के लटक जाऊंगा, ना नौकरी ना छोकरी। लटक जाए, यहाँ तो मिल नहीं रही है, क्या पता स्वर्ग में मिल जाए। अरे मरने के बाद तो आत्मा बन के आर पार निकल जाऊंगा। मरना छोड़, किसी का हाथ पकड़ के बोल डालना। मतलब आई लव यू। जवाब आएगा आई हेट यू। तुम लोगों के घटिया आइडियाज की वजह से ही अब तक कुंवारा है, अब आइडिया मैं दूंगा। काका आप शकीला के जमाने के हो और हम लोग लियोनी के दीवाने। मम्मी चाहे शकीला हो या सनी लियोनी, रैंप वॉक का स्टाइल सबका एक जैसा ही होता है बेटा। ये सॉफ्टवेयर वाला आइडिया तुझे किस बिल गेट्स ने दिया? इस रतन चाटा ने। बहुत पैसे वाला है ना वो? अरे बाबा वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है तो क्या हुआ,
मार्केट में उसकी 4-5 करेले की दुकानें हैं। उसके पापा तो खेती बाड़ी करते होंगे। अगर वो चाहे तो खुद की सॉफ्टवेयर कंपनी डाल सकता है। मेरा बापू तो यूं मान जाएगा। बेटा, लड़कियों को झांसे में लेने के लिए पहले एक संत की तरह बर्ताव करो, फिर चाहे तुम अंदर से शक्ति कपूर क्यों न हो, उन्हें शक बिल्कुल नहीं होगा। आगे क्या आदेश है? आगे का आगे बताऊंगा। सब्जी वालों को कम मत समझ, यूरिया डालकर डबल कमाई कर रहे हैं। बटर चिकन किधर है? ए, इधर है। हैं? आदाब। अरे राजू, मुंह बंद कर, मेरे पास आ जा। आया, अभी आया। एक्सक्यूज मी, राजमा चावल लेना। राजमा चावल, इसको पता नहीं कैसे लेते हैं। इजी है, ऐसे चम्मच से लेने का, वजन करने का, प्लेट में डालने का, चबा के खाना। ए भाई, सांबर। इसे भी नहीं पता कैसे लेने का, वैसे हमारे को सोशल वर्क बहुत पसंद है। एक बार में ले, बार बार आना। और ये फलियां चूस के खाना। अरे तुम्हें भी निकाल के दूं क्या? ओहो, तो तू यहाँ वेटर का काम करता है। सही है सही है, लगे रहो। पिंकी, जब मेरे पापा जबलपुर से सिंगापुर गए थे तब लेकर आए थे। इससे पहले लड़कियाँ तुझसे चिंगम की तरह चिपकेंगे। ए राजा, एक गुरु मंत्र देता हूँ तुझे, सुन। जब रुठती है ना तो और भी हसीन हो जाती है। ऐसा? ठीक है ठीक है। कहीं बारिश, कहीं धूप, कहीं छाओ, दिल को बना के पाओ, प्यार से चबाओ। तुझे मुझसे प्यार हो गया रे डार्लिंग? तेरा भ्रम है रे डार्लिंग, मेरे घर का पलंग इतना मजबूत नहीं है। अरे इतना सारा क्यों ले लिया? इतना खाओगी तो मोटी हो जाओगी। ये अनलिमिटेड बुफे है, जितना चाहो खाओ। दुनिया में लोग भुखमरी से मर रहे हैं, कुछ उनके लिए भी छोड़ेगी या नहीं? हा? नहीं खाऊंगी तो मर जाऊंगी। इतना खाएगी तो जल्दी मरेगी, समझी? समझ गए। जब भी थारे को देखता हूँ तो लगता है सांप ने मारे पिंडली पर डंक मार दिया हो। प्रेम वाला जहरीला डंक, और मैं प्रेम के नशे में थारी बाहों में फैल गया हूँ। आज तक ये डायलॉग तुमने पहले कितनी लड़कियों को सुनाया है? सच बताऊंगा तो भाग जाएगी। अरे तुम पहली हो, पहली बार सुना रहा हूँ, कैसा लगा? ज्यादा होशियारी मार रहा है, इसकी औकात बताती हूँ। ए सब्जी में क्या क्या भैया? ए सोया है, पालक है, मेथी है, गोभी है, आलू है, हरे मसाले के साथ कड़ी पत्ता फ्री। ये सब्जी मंडी नहीं राजा जी, 5-स्टार होटल है। पता है मुझे, वैसे मैं हूँ तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, पर सब्जी बेचना हमारी हॉबी है। एक्चुअली पूरी मंडी हमारी है। बेचारा मैं करोड़पति। ये बताओ कहाँ काम करते हो? गेट्स, बिल गेट्स प्राइवेट लिमिटेड। कहाँ पर है ये? आरे कॉलोनी, बहुत अंदर है। हाँ, आरे कॉलोनी में किधर? बहुत सवाल पूछ रही है। तो पान वाला चौरे से पता है? वहीं पर। नहीं नहीं, वहाँ नहीं, उसके बगल में पांडू दाबेली, पता है? पता है, वहीं पे। अरे वहाँ पे नहीं, उससे आगे सीधा। कहाँ? वो कोपचा है ना जिसमें गोपचा बेचता है। ये नहीं पता। हाँ वहीं पे, वहीं पे ऑफिस। कभी उसका गोपचा ट्राई करना। आइसक्रीम का ऑर्डर सर, उसकी फेवरेट आइसक्रीम खिला दे, इंप्रेस हो जाएगी। ओके बापू। रुको, तुम्हारा टेस्ट मैं बताती हूँ। कुल्फी स्लाइस के साथ फालूदा नूडल और ऊपर से रबड़ी। हाँ, कुल्फी स्लाइस के साथ फालूदा नूडल्स और ऊपर से रबड़ी। अब थारा गैस करता हूँ, शेजवान स्ट्रॉबेरी एक्स्ट्रा टमेटो केचप के साथ। इसके मुंह से राल क्यों टपक रही है? कनेक्शन है, लगता है इसकी पसंद बता दी। मूड खराब कर दिया। क्या बोलता है, मैंने कोट दिया था, कैसा था? अंदर एसी था ना? बहुत अच्छा था। मम्मी धीरे गया। उस रोड रोलर के रास्ते में स्पीड ब्रेकर बन जाओ। आई विल हैंडल विद केयर। रुको, पहले मेरे सवाल का जवाब दे दो। एक खीर में मक्खी गिर जाए तो वो कितने चक्कर लगाएगी? ए, रुको रुको, सिंपल सवाल, रुको। एक फुग्गे में तुम फूकोगी तो तुम्हारा कितना किलो कम होगा? ये मेटल की प्लेट है, अगर सिर पे मारूंगी तो इस प्लेट का क्या होगा बोल? प्लेट टूट जाएगी। ए थारी फ्रेंड तो टांग दे दी, हम लोग चलें। ओके।
मैम कार की चाबी। बाय। जा। हमारी गाड़ी में जबरदस्ती बैठ गई और अपनी गाड़ी में बिठाने के लिए एक बार पूछ भी नहीं रही है। आइडिया। अरे रुक रुक रुक, एक आइडिया दी। अरे पता है मारे को, टायर की हवा निकाल दूं ताकि वो अपनी गाड़ी में मुझे लिफ्ट दे दे, यही ना? अब जाओ आप। ए, टाइम से पहले ही बड़ा हो गया है। हाँ भाजी बेचो जाओ। राजा, मेरी कार का वाइपर खराब हो गया है तो तुम मुझे बाइक से ड्रॉप करोगे? एक सेकंड, मारे तेरा ही चैप्टर है। सर मैडम जा रही है। उसे फॉलो करूं क्या सर? जाओ दे। सर उसे बहुत मारा लेकिन वो कबूल नहीं कर रहा है कि उसने किडनैपिंग की है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर सर बहुत कमजोर आदमी, और मत मानना। इधर बैठना कुर्सी पर। अरे तेरे जैसे लोग जमीन पर नहीं बैठते। बैठ। लक्ष्मण राव फाइल देना। चाहिए ना? नहीं सर नहीं चाहिए। थोड़ा सा कॉफी? नहीं सर। सर वो किडनैपिंग से मेरा कुछ लेना देना नहीं है सर। मैं तो आजकल चाइनीज भेल बेच रहा हूँ सर। मैं भी आऊंगा कभी टेस्ट करने को। साइन मारिए सर। आप आइए सर। हो गया सर, ये लीजिए। सर पौवा मिलेगा क्या? क्या बोला? क्या बोला? एक तो तूने किडनैपिंग की और तुझे दारू भी चाहिए? सभी देता हूँ। किडनैपिंग तो इसी ने की है सर। डंडे पे तेल लगा के धुलाई होगी ना तो बराबर बोलेगा सर। ओके सर, वो बेकसूर है। किडनैपिंग वो कर ही नहीं सकता सर। एक बात बोलूंगे तेरे को, जितना तेरा उम्र है ना उससे ज्यादा एनकाउंटर किए मैंने। पर सर, प्रेस को बुला और चाय बोल। गुड, ओके। सुनो सर, जरा न्यूज चलाओ। हाल ही में हुई किडनैपिंग को लेकर शहर के नए कमिश्नर आज प्रेस से बात करेंगे। पिछले 6 महीने में किडनैपिंग इतनी बढ़ गई थी जैसे बिजली का बिल। बच्चे को, बूढ़े को, मिनिस्टर को जिसने किडनैप किया था ना उससे मैंने पकड़ लिया है। मैं और हमारा डिपार्टमेंट स्कॉटलैंड यार्ड को भी भारी पड़ेंगे। बिल गेट्स का खोया हुआ लैपटॉप हम नहीं ढूंढा था। हमारा बदनामी मत करो अभी। सर, एमएलए चिंगप्पा किडनैप हो गए हैं। पुलिस से के चोर, जोर से बोलना। सर, एमएलए चिंगप्पा किडनैप हो गए हैं सर। ये मत दिखाओ। जैसे कि आपने सुना, एमएलए चिंगप्पा को किडनैप कर लिया गया है। जब जनता का रक्षक ही सुरक्षित नहीं तो जनता कैसे होगी? इसका मतलब एसीपी दिलीप के दावे खोखले थे। सच कह रहा हूँ, अगर इस बार वो तुझे किडनैप कर लेता ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सर लेकिन मेरी बात तो सुनो। इस बार एक पॉलिटिशियन किडनैप हुआ है। मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी। ए फोन रख, फोन रख। हट जा मायला। ए उस ताड़ी माड़ी को छोड़ दे। पहले ही कहा था वो किडनैपर नहीं है, लेकिन यहाँ मेरी कोई बात नहीं सुनता। क्या कसूर बसूर चल रही है? इकड़े यानी बोल। सर उस गरीब का इस किडनैपिंग से कोई लेना देना नहीं है सर। वो गरीब है ना, इसके लिए थाने के करीब है, समझा? सर सर वो कोई मामूली क्रिमिनल नहीं है सर। उनका इरादा कोई पैसा कमाने का बिल्कुल नहीं है सर। हमें इस केस को किडनैपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए। तू पीएसआई है आईपीएस? एक मिनट सर, दास भैया गले में खिचखिच अदरक वाली चाय बोलो ना। सर सर अगर हम पुलिस की तरह ना सोचकर किडनैपर की तरह सोचेंगे ना तो वो डेफिनेटली पकड़े जाएंगे। कर दी, ज्यादा उड़ने की जरूरत ना है। पता है क्या हुआ? जब मैंने उसके शोल्डर पे हाथ रखा तो उसने भी मेरे हाथ पे हाथ रख दिया। उसके चक्कर में तो मैं थी। क्या बोली? सारी लड़कियां उसे छोड़कर भाग गई। जरूर उसने उन्हें मटका दिया होगा। अब वो तुझे कांटे पे चढ़ाने वाला है। कुछ तो झोल जरूर है। तू उस पे सीआईडी की तरह नजर रखना शुरू कर दे। तुझे भी मटका दिया तो मैं उस मटके में पानी भरलूंगी और क्या। बाटली फटने वाले, मुझे एक बात बताओ, प्यार करोगे या जबरदस्ती करूँ? चलो जल्दी से खड़ी हो जाओ। स्टैंड अप। मीटर को सेंटीमीटर में बदलो। प्यार का होता है उदय जब छोरा लागे है छोरी के हृदय। प्यार कर रहे हो या हार्ट बीट सुन रहे हो? बेटे को भूल जाते हो जब भी गोल्ड माइन देखते हो। सेंटीमीटर में क्यों खड़ी हो, मिलीमीटर में आओ। आइडिया,
गले लग जाओनी। जब तू उस लड़की से मिलने जाएगा ना, मैं तुझे बुज्जी के नाम से कॉल करूंगा। हाँ। और तू फ्लर्ट करना आपसे, अरे नहीं बुज्जी से, उससे बड़ी प्यार भरी रोमांटिक बातें करना और फिर चेक करना कि लड़की को जलन हो रही है या नहीं, उसका रिएक्शन देखना। फिर क्या होगा? तू मारे को रोमांटिक रिएक्शन देके दिखा। ये प्यार का रिएक्शन है, ये हवस का? प्यार वाले और क्या? प्यार से नहीं, लड़ाई से होगा। उसकी पूरी फाइल खोल डालेंगे, मौका देख के चौका मारना, उसको औकात दिखाएंगे। ऑल द बेस्ट। यस। बुज्जी का फोन, लगता है इसकी गर्लफ्रेंड होगी। इतना फोन क्यों कर रही है? मिस्ड कॉल ने अपना कमाल दिखा दिया होगा। और बहुत गर्मी हो रही है। फोन आया था। अरे होगा कोई बैंक वाला, कोई बुज्जी नाम का था। बुज्जी का फोन, बुज्जी, मेरी प्यारी बुज्जी, अभी फोन करता हूँ। हेलो, ये बुज्जी कौन है? बावली पूछ, तुझे बुज्जी नहीं पता? चला बताता हूँ। अरे बुज्जी की फ्रेंड आ रही है। सुनो ना, बुज्जी कहाँ है? बुज्जी 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 बुज्जी, ये बुज्जी कौन है? मेरे को नहीं मालूम, उसकी गर्लफ्रेंड होगी, काट डालूंगी मैं। तुम नहीं बुज्जी। क्या चल रहा है? मेरा दिल जल रहा है। क्यों बुज्जी? लड़की को धूप बत्ती समझ के रखा है क्या? और कितना जलाऊं? तू और जल दोस्त, क्योंकि खरा सोना तो जलने के बाद ही बनता है। मेरे लाल, बुज्जी अब सिर्फ एक नाम नहीं, हम उसे एक हसीन चेहरा देंगे। गेम शुरू किया उसने, लेकिन गोल हम मारेंगे। लिख के देता हूँ बेटा, वर्ल्ड कप तू ही लाएगा। उस बुज्जी की भुर्जी बना के खा जाऊंगी। बुज्जी रंबा उर्वशी। ओ, रुकना, मस्त है। क्या रे, मैं बहन नहीं है? तू नहीं, ड्रेस मस्त है। तुमने कहा था मुझे सरप्राइज दोगे, बताओ कहाँ है? बुज्जी बुज्जी माँ, बुज्जी माँ, बुज्जी माँ, मेरी डार्लिंग आ गई। जानू, जाने मन। ज्यादा मत चेटक, उल्टी आ जाएगी। ये प्रिया और ये मेरी वाली। आ गले लग जा। हेलो। हाँ हेलो, मेरे से चलो। आज ना मैं इस मॉल में पहली बार आई ली हूँ। जानू आज ना मैं तेरे पे प्यार बरसाएगी। मुझ पर डोरे डाल। मेरे घर पर चोरी हो गई है, इसलिए मेरा जानू आज मुझे पूरा मॉल दिलाएगा। दिलाएगा ना? हाँ। इसे शॉपिंग का बड़ा शौक। चलो जानू। आओ माँ जी, आओ बहन जी। मैं तेरे को माँ बहन टाइप की लगती हूँ क्या? जानू स्वीट 16 को माँ बहन बोल रहा है। हाँ हाँ, हो गया हूँ, हो गया हूँ। उधर ध्यान नहीं, इधर दे। आओ माजी, माँ को झुक के सलाम करो। वेलकम वेलकम। चल दिखा मैडम। डार्लिंग लग रही हो ना माधुरी? एकदम धक कतरीना, कंगना एकदम गड़क। मैडम ट्रायल रूम में जाके ट्राई करो, कोई नहीं है उधर। क्या बोला रे? ट्रायल रूम बोला मैं। ट्रायल? मैं ट्रायल करूंगी और तू हॉल में से मेरी फिल्म बनाएगा और हॉलीवुड में बचेगा। बैक कर, देखते करे, बैक कर। ट्रायल तो मैं सिर्फ मेरी जानू के सामने करूंगी। झटका लगा? थोड़ा सा। बड़ा झटका बाद में। ये सब भी पैक कर दो, मैं बहुत बास में आती हूँ। शॉपिंग की नशेड़ी है शॉपाहोलिक। लगता है सब कुछ बदल डालेगी। हाँ बोलो पापा। मेरे लाल, कल रात नौटंकी में नाचते वक्त बुज्जी का पैर टूट गया, वो हॉस्पिटल में भर्ती है। हम अपनी नौटंकी किसी और दिन करेंगे। तो ये कौन है? हमारा प्लान कामयाब हो गया, पता है वो बानू को बुज्जी समझ रहा है। मैं बाहर वेट करती हूँ, तुम बिल पे करके आ जाओ। हाँ? हाँ? हेलो बिल। कितना हुआ? 9,99,999 रुपया, 1 रुपए डिस्काउंट। कितना लकी है तुम? चाचा यहाँ पे क्या बर्तन धोने वाला सिस्टम नहीं है? बिल दिल दिया तो बिल क्या देखा? करेक्ट है। ये ले। आइयो आधार कार्ड मायके करेंगे। पढ़ क्या लिखा? ऑल कार्ड सर एक्सेप्टेड। तो करना फिर। ये आधार कार्ड है, उधार कार्ड नहीं है। अयो लाल परी, तुम किधर जाता है? पैसा है तुम्हारे पास? तुम्हारे शक्ल ही बता रहे। ए चौकरा लोग, ये सुबह सुबह मेरा टाइम कोटी किया है, इसका काल बाल सब खींच लो। पोड़ा प्रिया, प्रिया। बुज्जी मारी डार्लिंग नहीं है, बल्कि कोई भी मारी डार्लिंग नहीं है। सोच रहा हूँ थारे को बना लूं। अच्छा, मुझे
मुझे उल्लू बना रहे हो? मेरे भाई बचा ले, वो लोग ने मार मार के मेरी पीठ पे स्पीड ब्रेकर बना दिए। मेरे भाई एक पैंट शर्ट तो दिला दे, इन कपड़ों में भागा नहीं जाता, दुआ लगेगी। दीदी दीदी जरा सिफारिश कर दो। जब जीजा हो साथ तो डरने की क्या है बात। हरी झंडी दिख गई। 100 रुपया नहीं है, ये ले पर्स जाके बेच दे। जीजा दिलदार है। भगवान तेरे को छुड़वा बच्चे दे। सही नगीना उठाया तूने राजा। ए पलटी, इसी से शादी होगी मारी। ही रहे बैगन के पैसे, पूरे है ना, अपना हिसाब क्लियर। पापा थारा बेटा फिर से जवान हो गया। सदा जवान रहो बेटा। ये पैसे ये ले ऐश कर। हाँ जी भाई, बावड़ा छोरा है। लॉन्ग ड्राइव पर चलें? कहाँ? मेरे घर, 5 मिनट की ड्राइव है। अपना ही घर समझो, आओ आओ। चलो बेटा कैसी हो? अरे आशीर्वाद से लड़की पड़ गई बापू। चलो बेटा क्यों रही हो? सही है छोरे, मैं शर्मा रही है। बहुत मस्त है। ये बात भी ठीक है, बापू ने हाँ कर दिए, अब तो हमारे पास पक्का लाइसेंस है, बस तेरा बापू परमिट दे दे फिर चलाएंगे गाड़ी। ए तेरा तोरा एमएलए चिंगप्पा को किडनैप किया। चिंगप्पा, 5 में से 1 उंगली पकड़। 1, 2, 3, 4, 5 5 करोड़ देगा तभी इसको छोड़ेंगे। ठीक है अच्छा दादा। 1, 2, 3, 4, 5 5 और 5 10 हो गया। दादा अरे बार 3 करोड़ बस सोना टन कर। चिड़िया और एक बार मौका दे दे, और एक बार प्लीज। एमएलए चिंगप्पा को किडनैप हुए पूरे 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन पुलिस इस मामले में कुछ भी करने में असफल रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा के बिना मैं कैसे छिपाऊंगी? वो लोग उन्हें मार डालेंगे। इस तरह हौसला नहीं हारते। जानती हो चिंगप्पा कौन है? ये मेरी गर्दन। चिंगप्पा तुम्हारे दिल का टुकड़ा है और मेरे फेफड़े की हवा। वो नहीं है तो लग रहा है हवा निकल गई। भाभी जी शांत हो जाओ, मेरे को तुम्हारी कसम, आज शाम को वो अपने हाथों से तुम्हारी बनाई हुई बिरयानी खा रहा होगा। ये मेरा पिरामिस है। सर के गले में कुछ अटका है क्या? सही पकड़ा भाई, कुछ समय पहले पुलिस वाले ने गोली मारी थी, वो परमानेंटली अटक गई। तो निकाली क्यों नहीं? गोली निकली तो ये दुनिया से निकल लेंगे। आओ चो सर। वादा कर लिया है शाम तक घर आ जाना चाहिए, नहीं तो मेरा पचका हो जाएगा। टेंशन मत लेना। नमस्कार। नमस्कार। हेलो। 3 करोड़ रुपए एक बोरी में भरकर ठेले के ऊपर रख दिए हैं सर। जैसे एमएलए मिलेगा हम पैसा भी रिकवर कर लेंगे। कितनी मंडली है? कुल मिलाकर हम 10 लोग हैं सर। एमएलए चिंगप्पा और वो पूरा कैश दोनों चाहिए अपने को। ओके सर। वहाँ क्या देख रहा है? कुछ नहीं, मुझे तो लगता है दास भाई किडनैपर्स की नजर हमारे ऊपर ही होगी। तुझे कैसे पता? देखो ना दास भाई, हम 50,000 की सैलरी के लिए जान दांव पर लगा देते हैं। हाँ। वो एक ही झटके में करोड़ों कमा लेते हैं, कितना दिमाग लगाते होंगे। ये बताओ चिंगप्पा किडनैप कैसे हुए थे? स्कूल के स्टूडेंट्स ने उन्हें फ्लैग होस्टिंग के लिए बुलाया था। हाँ। किसी ने उन्हें पिंचू बो दी, चिंगप्पा सीना पकड़ कर वहीं बैठ गए। लोगों ने सोचा उनका टाइम आ गया, उन्हें एम्बुलेंस में डालकर ले गए। फिर क्या, सिग्नल क्रॉस करते ही उनकी बत्ती जल गई कि यह हार्ट अटैक नहीं किडनैपिंग है। हाँ। एकदम फिल्मी स्टाइल में। किडनैपिंग के लिए एम्बुलेंस इस्तेमाल की थी, इसका मतलब कि एमएलए हमें एम्बुलेंस में ही मिलेंगे। एमएलए आसपास ही होना चाहिए, आसपास की सारी गाड़ियां चेक करते हैं। ए, आजा। ए, तुम लोग बाहर क्यों आए? ए, रुक 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 रुक। नहीं, पागल हो गया ये। क्या हुआ? वो बोल रहा है कि चिंगप्पा यही है। नहीं, पागल हो गया है। चिंगप्पा सर, कोई पागल हमारे पैसों की बोरी लेके भाग रहा है।
आप यहाँ जल्दी आ जाइए सर। यह नहीं, जल्दी मेरे पीछे पीछे। ए रुक, ए पागल रुक। ए उसमें पैसा है, फेंकना मत। पैसा दे, ला दे, दे पैसा दे, से मेरे को दे, 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 दे। कुछ नहीं होती है। ए फेंकना मत, ये पैसा मेरे पास नहीं था इसलिए मैं पागल हुआ। तू भी पागल होएगा, तू भी पागल होएगा, तू भी पागल होएगा, सब पागल होंगे। ए रुक, अरे ड्यूटी पर गांजा मार रहा था क्या? मेरे को कुछ नहीं सुनना है, मेरे को कैश चाहिए बस। मुजरिम लोग ने मारा क्या? क्या हुआ सर? ए पैसा लेके कहां भाग रहा है? रुक, वो हमसे दो कदम आगे चल रहे हैं सर। काश ये गोली हाथ की जगह ना सिर पे लगी होती। सर बुरा मत मानना, मेरे पास एक जबरदस्त प्लान है। एक मिनट, कहीं जाना नहीं है, रुक। अरे ये भी ना, दही अंडी के म्यूजिक के माफिक बचता रहता है। तू रुक क्यों गया, प्लान बताना। मुंबई में जब 26/11 को अटैक हुआ था तो पुलिस ने कसाब को पकड़ लिया था। पुलिस का प्रेशर कम हो गया, पब्लिक ने गुस्सा कसाब पे निकाला। तो अगर हमें किडनैपर्स को पकड़ना है तो खुद को प्रेशर से दूर रखना होगा सर। आगे बोल। इस बार प्लान वो नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे सर। अपने डिपार्टमेंट के आदमियों से किसी बिग शॉट को किडनैप करवाएंगे, फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। उनसे कहेंगे इन्वेस्टिगेशन में हमें पूरे 2 महीने लगेंगे। किडनैपर्स यही सोचेंगे कि हम कहीं और बिजी हो गए, वो फिर किडनैप करेंगे। इस बार उन्हें पैसे नहीं बुलेट मिलेगी। बुलेट मेरी गन की होगी, आइडिया किसी को मत बताना। ये प्लान सक्सेस होता है ना तो तेरा एक स्टार बढ़ गया समझ। मैं परमिशन लेके आता हूँ। परमिशन की जरूरत क्या है, ये सीक्रेट मिशन भी तो हो सकता है। सर कोयला फिल्म की शूटिंग में आमिर खान ने यहाँ से जंप मारी थी। अरे थारे लिए तो मैं ऊपर से कूद जाऊं। मुंह लटका हुआ क्यों इसका? बल्ले बल्ले मुंह बल्ले बल्ले खाके देखो, मूड मस्त हो जाएगा। लगता कमरे का जुगाड़ हो गया इनका। बल्ले बल्ले मूंगफली, अरे ले लो भाई, फली फली मूंगफली फली फली। अरे मैडम आप नाखून क्यों खा रहे हो, मूंगफली खा लो, इसके तो मैं पैसे भी नहीं लूंगा। अरे यहाँ मेरे बापू ने मेरी जिंदगी मूंगफली कर रखी है और तुझे अपनी मूंगफलियों की पड़ी है। तू जाना, जो बात मारे को बतानी चाहिए वो पकड़ पकड़ के सिंह चने वाले को बता रही है। अब बोल कुछ। फ्यूचर बहू, मेरे बेटे से कुछ पूछना है। समझ ले हम लोग नहीं है इधर, पूछ। मेरे को तुम्हारे साथ डॉक्टर डॉक्टर खेलना है। चुप कर नहीं तो सुई घुसेड़ दूंगी। अच्छा तो है वो, काय को पसंद नहीं है? क्या तुम किसी और से प्यार करती हो? आजकल ऐसा ही है पापा। ए चमड़िया चल अभ्यास कर। मैंने देखा है तुमको मोटरसाइकिल पे, उसको कांदा पोई खिलाते घर लेके आ। अच्छा मुझे एक बात बताओ जानू, तुम मेरे पापा को इम्प्रेस तो कर लोगे ना? थारा बाप करता क्या? वो पुलिस में है। हवलदार है क्या? हाँ पुलिस कमिश्नर। That's right, food, water, and air.
Let's start with air. कैसे हो बेटा? बहुत handsome. ये लो. अरे इसकी क्या जरूरत थी? पहली बार आए हो ना इसलिए. पहली और आखिरी बार. ए बंटी. गली बॉय. क्रिकेट पसंद है या फुटबॉल? Of course क्रिकेट. काई को? क्योंकि क्रिकेटर से हीरोइन शादी करती है. क्या रे हाथ साफ कर रहे? केशव. अरे मेरे बापू आ गए. मैंने बताया वो काम कर रहा. ओके सर. पाई लगू अंकल. अंकल आपने मुझे प्रिया के साथ देखा था ना? काम क्या करते हो जिंदगी में? मेरे लिए कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है, सब कुछ कर लेता हूँ. मतलब? मतलब गणपति का पंडाल बांधना, डांडिया के लिए लकड़ियां लाकर देना, एवरीथिंग. तो खाली टाइम में क्या करते हो? मैं खाली टाइम में ही तो ये सब करता हूँ अंकल. फिर अगर वक्त मिल जाए तो पिक्चरें देखता हूँ. सिनेमा देखते हो? ओनली एंड ओनली इंग्लिश पिक्चर, वो भी सिर्फ हिंदी में डब की हुई. महादबंग कैप्टन अमेरिका, मकड़ी मानव स्पाइडरमैन, डूबती नहीं है, टाइटैनिक 10 बार देखी. मैं कमिश्नर हूँ, इसके लिए मेरी बेटी से शादी करना चाहता है क्या? कमिश्नर की बेटी का दिल नहीं होता है क्या? वो किसी से प्यार नहीं कर सकती है क्या? किसी को अपना पति नहीं बना सकती है क्या? हेलो, मेरे कारतूस से ही मरेगा वो. अगर मेरी बात नहीं मानी ना उसने तो गोली मार के वाघा बॉर्डर के उस तरफ फेंक दूंगा उसको. ब्रेड पे मस्का या जाम? मलाई मार के. तो लेना. उसके पहले बर्थडे पे हाथी का पिल्लू दिया था. मैं बेटी को बहुत प्यार करता हूं. मैं भी. उसके खातिर तू किसी को मार सकता है क्या? मार तो नहीं सकता सर, पर अपनी खुद की पर्सनल जान दे सकता हूं. याची वाट लागली. राजा क्या हुआ? राजा क्या बात है? पोपट हो गया? कुछ समझे अंकल, प्यार भी एक बीमारी की तरह है. पहले आपकी बेटी मुझसे करने लगी और अब आप भी मुझसे करने लगे हैं. इसीलिए तो जब मैंने खुद पे वार किया तो वार आपने झेल लिया. अरे यार तुम भी. माइकल तो मेरी जान है. वाह, मेरे को अच्छा लगा. तो बात पक्की. ए माइकल जयंती है. जय जैक्सन. अरे मैं तो शाहरुख खान बोलिए. खान हो या अंसारी क्या फर्क पड़ता है, लो इसे गाड़ी में रख दो. हाँ हाँ ठीक है. अब दाढ़ी बना के जाइए ना. अरे आजकल दाढ़ी का फैशन है. सच कहूँ तो आज आपने मेरा दिल खुश कर दिया. जब आपने प्रिया की शादी उस पागल से तय की थी ना, मैं तो डर ही गई थी. राजा के साथ प्रिया की जोड़ी बहुत अच्छी जमेगी. एक मिनट रुकिए, मैं अभी आई. जैसा तुमने बोला है ना वैसा मैंने पूजा पाठ किया, लेकिन प्रिया की शादी जिससे मैं बोलता हूं उससे होगी. तो खाना पका. ए राजा को बोल फार्म हाउस पे आ जाना. ओके सर. राजा नाम मेरा, रातों का राजा. लगता है बेटी की शादी के लिए यहां पर खजाना छुपा के रखा है. इसके मजदूर नहीं आए तो मारे को बुला लिया क्या? अरे राजा, कानून जो हरे हरे नोट लेता था आज हरे हरे पेड़ लगा रहा है. ये मीडिया वाले ऐसे ही वक्त पे नहीं आते. लाइए आप वीडियो बनाइए. अरे राजा मैं करता हूं ना, साथ ही साथ एक गाना भी गाता हूं. वो था ना धरती हमारी माता है. आगे कुछ नहीं आता. फोन निकालिए, एचडी में लेना. मेरी बात नहीं मानी तो ऐसा ही होने वाला है. आज के दिन मुझे चिकन खिला दिया तूने, मरना पड़ेगा. राजा
तू अंदर जाके बैठ, मैं अभी आता हूँ। थारे बापू ने मारे को फार्म हाउस पे बुलाया। किस लिए? यही तो नहीं पता। पापा तुम्हारे प्यार का लेवल चेक करना चाहते हैं। अगर किसी ने मुझे छेड़ा तो तुम्हारा खून खोलता है कि नहीं, ये देखना है। मारा खून तो बहुत ठंडा है। लगता है मारा आखिरी दिन है। 10 मिनट में मारा फोन नहीं आया तो एम्बुलेंस भिजवा देना, नहीं तो मेरी लाश धतूरे के पेड़ के नीचे मिलेगी। राजा बापू, कॉल सेंटर से किसी का फोन आ गया क्या? नहीं, एक भटके हुए को रास्ता दिखा रहा था ससुर जी। ससुर जी? हाँ। ससुर जी सुनते ही मेरे पूरे बदन में सुरसुरी आ गई। ससुर जी रिपीट टेलीकास्ट। गला अच्छा है, पर्सनालिटी भी अच्छी है। तुम्हारी शादी तो कैलाश पर्वत पे करूंगा। तुम दोनों की शादी के लिए मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं, सिर्फ एक छोटा सा लोचा है बस। जब तक वो लोचा सॉल्व नहीं होता ना, शादी पोस्टपोन करना पड़ेगा। क्या बोलता है तू? अरे आपका लोचा मारा लोचा है, बताओ क्या बात है? जाने दे, तू प्रिया को बोल देगा। मर जाऊंगा पर नहीं बताऊंगा, मुझको मेरी कसम। न्यूज व्यूज सोशल मीडिया देखता है कि नहीं? आजकल शहर में किडनैपिंग का बाजार बहुत गर्म है। वही तो मारे को समझ में नहीं आ रहा, थारे जैसा रक्षक होते हुए कोई पकड़ में आ क्यों नहीं रहा? क्योंकि वो सारा किडनैपिंग कोई और नहीं, मैं ही करता हूँ। इंस्पेक्टर शर्मा, वो एमएलए और बाकी लोगों की किडनैपिंग मैंने ही करवाई थी। ये प्लान एकदम फाइनल स्टेज पर है। अगर ये सक्सेस हो गया ना, तो सारे टेररिस्टों को येरवड़ा जेल में डाल के चक्की पिसवाऊंगा। कौन सा प्लान ससुर जी? बताता हूँ। अपने डिपार्टमेंट के आदमियों से बिग शॉट को किडनैप करवाएंगे। किडनैपर्स यही सोचेंगे कि हम कहीं और बिजी हो गए, वो फिर किडनैप करेंगे। इस बार उन्हें पैसे नहीं बुलेट मिलेगी। लेकिन इस काम के लिए मुझे कोई भरोसे का आदमी चाहिए, अपना, घर का। मारे को तुम क्या अपना नहीं समझते ससुर जी? मैं हूं ना। तुम्हारे बस की बात नहीं। मेरे बस और ट्रेन दोनों की बात है, अभी उठा के लाता। पर इसके लिए आपने परमिशन तो ले लिया ना? इसे परमिशन के बिना करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक मिशन है। उठा के लाऊंगा, शादी करूंगा। नारे लगा जाए ससुर जी। सर आपने उसे ये कह के उल्लू बनाया कि किडनैपिंग आप करवा रहे हैं, उसके दिमाग की मोमबत्ती नहीं जली क्या? बत्ती जलने के लिए उसके पास दिमाग होना चाहिए ना। सर वैसे मेरे दिमाग में भी मकड़ियों ने जाले बना दिए। एक पत्थर से कभी दो पंछी मारे हैं क्या? ये मेरी बेटी से प्यार करता है, ये बात जब मुझे पता चली तब मेरा दिल किया कि पूरी मैगजीन इसके अंदर उतार दूं। अरे पण कसा करणार, मेरी बेटी भी इसके ऊपर लट्टू है ना। ऊपर से मिनिस्टर का टेंशन, किडनैपर को पकड़ो पकड़ो, किडनैपर नाक का बाल है कि उंगली डाल के पकड़ू। समझ गया सर, मतलब बच्चा उसका होगा पर नाम रोशन वो आपका करेगा। सर आप दिमाग के लिए कौन सी टॉनिक लेते हैं, मुझे भी बताइए, मैं भी लूंगा। ए शाहरुख, इसने अपनी बात सुन ली क्या? मुझे नहीं लगता। ससुर जी, बाबा कलयुग यामी की अभी अभी आकाशवाणी हुई, अगर मैंने ये किडनैपिंग कर दी ना तो मैं नहीं नहीं नहीं, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। किसी और से करा लीजिए प्लीज। सॉरी। ए मेरे को फोन लगा, जल्दी फोन लगा। हेलो, वो मिशन कैंसिल कर देना, मैं अभी के अभी रेसिग्नेशन दे रहा हूँ, अभी गांव जाके भैंस से चराऊंगा। ए अरे भैंस का दूध बेचूंगा ना मैं। ससुर जी मैं तैयार हूँ, सॉरी तैयार हूँ सर। तेरे पे भरोसा नहीं है, वाणी फिर से आ गई तो? वाणी पे मैं पानी फेर दूंगा सर, प्रिया के पास जाऊँ। क्या बोला? हाँ, सर इस मिशन के 3 रूल अपने भेजे में घुसा ले। नंबर 1, जिसे भी तो किडनैप करेगा ना वो बड़े बाप का होना चाहिए। नंबर 2, कम से कम 1 हफ्ते तक पुलिस के हाथ मत आना, अगर मैं भी बोलू ना तो भी कान का दरवाजा बंद। 1 हफ्ता क्या, 1 घंटे पे पकड़ा जाएगा ये। और तीसरी बात, मेरा टेम्परेचर मत बढ़ाना। मेरी बात नहीं मानी तो ऐसा ही होने वाला है, मरना पड़ेगा। समझ गया सर। आज मैं तुला नया नाम दे तो रन राजा। रन राजा? रन चल जा अभी। हाँ मंत्री जी, हाँ 9 तारीख को एंगेजमेंट फिक्स। हाँ उस दिन दांडी मारूंगा मैं। बकरे का फोन आ रहा है। 9 तारीख को लाल कर दिया।
अरे राजा भाव। ससुर जी। अरे सॉरी 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 रन राजा। अपना मिशन शुरू किया कि नहीं? शुरू क्या, खत्म भी कर दिया, कर लिया किडनैप। अरे वाह वाह वाह, कौन है वो खुश नसीब? अरे जब अपनी थाली इतनी बड़ी है तो यहाँ वहाँ छेद क्यों करना, सीधा कमिश्नर की बेटी को उठा लिया। कमिश्नर, क्या नाम है उसका? बहुत बड़ा कमिश्नर है, कमिश्नर गिर पड़े। तुझे मारी ये बहुत करम है। हेलो, बास क्यों आ रही फोन में से? तुम पागल हो गए हो क्या? मुझे किडनैप क्यों किया? अब थारे को नहीं बता सकता, टॉप सीक्रेट है। शादी से पहले इस बंधन में बांधने की परमिशन थारे बापू ने दी है। किसने कहा मैं तुमसे शादी करूंगी? कहना क्या चाहती हो? अपने फाइनल एग्जाम्स के बाद मैं पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती थी, और उसी वक्त पापा ने मेरी शादी मिनिस्टर के बेटे से तय करवा दी। उससे बचने के लिए मैंने झूठ बोला कि मेरा बॉयफ्रेंड है। अगर पापा को पता चल गया तो मेरी डोली नहीं बल्कि अर्थी उठेगी। ए, एक फाड़ू आइडिया है। किसी से प्यार का नाटक कर और पापा को बोल कि सच्चा प्यार हो गया है, फिर उसे यूज करके छोड़ दे। हाँ, फिर तेरी लाइन क्लियर। ए प्रिया, किस उधेड़बुन में है? इस शुभ काम के लिए बकरा कहाँ मिलेगा? नाम है राजा, पर लड़कियों के मामले में लकीर का फकीर है। जब सब कुवारे मरे थे ना, तब ये पैदा हुआ था। एकदम परफेक्ट है। yes! मुझ बावले आशिक की हाय लगेगी उसको। ये बकरा नहीं बैल है, तू बस इसे सेट कर ले, ये तेरे बाप को उछल के सींग मारेगा। तो ठीक है, मैं इसे घास डालती हूँ। चलो चलो जल्दी करो। 3, 2, 1, ठोक डाल। मारी गाड़ी पीछे से ठोक रहा है। पीछे कर, पीछे कर। हटा हटा हटा। वैसे भी तुम्हें ब्रेकअप की आदत पड़ चुकी है, तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? इसीलिए मैंने झूठा नाटक किया और तुम फंस गए। कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए तुम्हें बकरा बनाया। बकरा बनाया? अच्छा, सिर्फ बकरा नहीं, बलि का बकरा। पर बलि मारी नहीं चढ़ेगी। हेलो राजा। ससुर जी, बात सुन, मेरी बेटी को कहाँ छुपाया तूने? थारी बेटी ने मारा दिल तोड़ दिया है, पर मैं थारा दिल ना तोड़ू, क्योंकि तोड़ा तो तुम मारे को नहीं छोड़ोगे। याद है ना क्या कहा था? मैं पहले वाला राजा नहीं, रन राजा हूँ। मैं बुलेट ट्रेन से तेज और प्लेन से ऊंचा उड़ता हूँ। गया तू। धमकी नहीं, तुम ही चाहते थे ना कि हाथ में ना आऊं। ए राजा, तेरे को छोड़ूंगा नहीं। बी प्राउड ऑफ मी, नहीं आऊंगा हाथ में। राजा फालतूगिरी मत कर। ससुर जी, बोल बचन की दुकान अब यहीं पर बंद करते हैं। अबे तेरी, ज्यादा देर बात करूंगा तो आप मुझे ट्रेस कर लेंगे। आप बहुत शाणे हो। पर मैं गैर शाणा हूँ, रन राजा, कानून का दोस्त, कमिश्नर का दामाद। देख राजा, कमिश्नर गिर पड़े से पंगा ले। पैंट पहनना भूल गया क्या? अरे पहनने का टाइम कहाँ दिया, सीधा उठा लिया। अब बोलो पेशेंट कौन है? हेलो डॉक्टर। हेलो, कहाँ देख रहा है ये? हेलो, हेलो सर, हाउ आर यू? अंधा है क्या? नॉट फाइन सर, मैं डॉक्टर झुंझुनवाला, LLBS। मैं हूँ नसों का डॉक्टर, लंदन के धारावी से मैंने ये डिग्री ली है। धारावी में कहाँ से? नॉर्थ धारावी से। कंटर घुमा कैसे? रिपोर्टिंग सर। वो बाथरूम में पाए घसर के गिर गया। ओ, गिरते पड़ते रहते हो, इसलिए आपका नाम गिर पड़े हैं। मैं आपको अभी एक स्टोरी सुनाता हूँ। अरे डॉक्टर, तू ट्रीटमेंट करना है, एंटरटेनमेंट क्यों कर रहा है? इधर आ रहे तू। मुझे बुलाइए उसे। उसे पुलिस साहब बुला रहे हैं। आजा इस पोजीशन में, ये पोजीशन। क्या शॉट मारे सर, छक्का। टैबलेट देता हूँ। बस आंधी आई। क्या बोला? बस आंधी आई, ठीक है? भाग के जा, दौड़ के आ। सर तू स्टोरी बोल। एक गांव था तंबूरापुरम, वहां भैंसे उड़ा करती थी। वहां पुलिस ऑफिसर था आपके जैसा, उसकी एक खूबसूरत बेटी थी। खूबसूरत बेटी मंजे प्रॉब्लम। आपके घर भी है क्या? उस कली का एक भवरे पे दिल आ गया सर। जैसे ही बाप को पता चला, वो लड़की का बाप सीधा वेंटिलेटर पे आ गया सर। क्या? और ठीक होते ही दोनों को अलग करना चाहा। वो एक अघोरी के पास गया, उसने कहा तपस्या से दोनों अलग हो जाएंगे। उसने तपस्या बताई, बर्थडे सूट में आग के ऊपर उल्टा लटक के एक जाप करना होगा 2.25 करोड़ मर्तबा। जाप ये था, मुफ्त का चंदन
घिसते जा मेरे नंदन, जब गिनती में एक भी कम हुआ तो उन दोनों को कुछ नहीं होगा, लड़की का बाप धरती से कम हो जाएगा। ये डॉक्टर कम और राइटर ज्यादा लग रहा है। अघोरी की बात हजम नहीं हुई तो वो फादर के पास गया। फादर ने अंग्रेजी टोटका बताया, एक हाथ में नींबू और दूसरे में अंडा पकड़कर काली रात को रेलवे ट्रैक पर 1 करोड़ मर्तबा धाम धूम ना कमीची लेट कर अकेले में जाप करना होगा। क्या कर रहा है? हिलना मत। अब 12 दिनों के लिए बैठे रहना, लेटना मत। अगर लेटा तो नो वारंटी। फिर मिलेंगे। हे डॉक्टर, ये कहानी तेरे को किधर से पता चली? ये कहानी तो मुझे मेरी दादी ने सुनाई थी। वो लड़का लड़की दोनों मिल गए और लड़की का बाप टपक गया। डॉक्टर, तो डॉक्टर ही है ना? सच बताऊं, जानवरों के दवाखाना में कंपाउंडर हूं। समझा मामू? मामू, चुप! तू क्या देख रहा है? चल, ओ घंटी मत बजा, दरवाजा खुला है, अंदर आ जा। पिज़्ज़ा सर। हे पिज़्ज़ा आ गया। पापा ये हॉट पिज़्ज़ा का दिमाग कूल हो जाएगा। इस पिज़्ज़ा का ऑर्डर किसने दिया है? अरे सर, वो डॉक्टर ने जो दवा बोली वो कहीं भी नहीं मिली। हाँ सर, ये तो बॉम्ब है, बॉम्ब है। पिज़्ज़ा हट, हटाओ इसको, ले जा, ले जा इसको। अरे जल्दी लेके जा बाहर, चल चल बाहर निकल। शाहरुख नाम है तेरा, खोल इसको। फटना नहीं। हाँ, ये फट गया तो बोलना मेरे को। सर ये तो तरकारी रोटी है, आकर देखिए चीज भी है। दे दे, वैसे भी भूख लगी है मेरे को। सेलफोन? ये फ्री है क्या इसके साथ? इस फोन से मुझे कॉल करो ताकि मैं ट्रेस ना हो पाऊँ आपका दामाद। सर ये तो आपका बाप निकला। ज्यादा बात मत कर। हेलो ससुर जी। हेलो 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 भाई लागू, ओवर। मैं ओवर तो तू आउट। ससुर जी, शगुन का पिज्जा कैसा लगा? ये तेरे लिए मौत का शगुन बनेगा। आओ पे स्पेशल जमा हुआ घी मार के भेजाऊं। आगे बोल। नहीं आप बोलो। तू बोल। आप बोलो ना। तेरी बोलती बंद कर दूंगा। अच्छा अच्छा, बीपी क्यों बढ़ा रहे हो? सुना है आपकी घमंडी गर्दन पे डॉगी का पट्टा लग गया। देख के चला करो, कन्यादान करना या नहीं। अच्छा एक काम करता हूँ, हार्ड वेट को भेजता हूँ। अरे बहुत हार्ड है। इधर सर, इस खिलौने का रेंज 1 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। आजू बाजू का एरिया छान मारो, ये इधर ही कहीं छुपा होगा। पकड़ के ला उसको, जल्दी जा। जमाई राजा, कहाँ हो आप? बताऊं? सच में बताऊं? हाँ। अपने ससुराल में। क्यों? पाई लागू। तेरा पाई तोड़ता हूँ अभी। हट। घबराइए मत, जल्दी मायके नहीं भेजूंगा। ये रन राजा मेरे को ही तोड़ रहा। पिता। जूस ले, अरे मुंह खट्टा नहीं करूंगा। छोटा साला बोल रहा है इसलिए पी लेता हूँ। अरे पूरा पूरा पियो ना जीजू। जी जज जी, गर्ली बॉय, मैं आपको सासू माँ बुलाऊं? शर्म आ रही है। बाय। क्या हुआ? मच्छर कितने हो गए, दवाई डालनी पड़ेगी। बहुत जोर से लगा ना, बैंडेड लगा लो। प्रिया रुको, जा बावली पूछ, सीधा जा थारे बाप के पास और बोल पापा पापा मैं तो प्यार का नाटक कर रही थी। फिर वो इसी वीकेंड पे थारी शादी मिनिस्टर के पागल छोरे के साथ करा देगा, फिर एंजॉय झंड लाइफ। मुझे किडनैप करने के लिए किसने कहा? थारा झंडू बाप। मारे को बोला किसी रईस को किडनैप करना, अब मारे कॉन्टेक्ट लिस्ट में तू ही सबसे बड़ी रईस थी, तो सोचा किडनैप के साथ रोमांस भी हो जाएगा। पर तू निकली बावली पूछ, बोतले मार रही है। अगर थारे को शादी से बचना है तो तू मारा साथ दे ताकि मैं थारे पप्पा का साथ दूं। देश के लिए कुछ करने का मौका मिला है, साथ देगी? ठीक है।
केशव क्या खबर है? सर हमने अपनी पूरी टीम को काम पर लगा दिया है। गुड। सर अगर हम मीडिया की हेल्प लें तो प्रिया मैडम को ढूंढने में आसानी होगी। अरे लोग मेरे ऊपर खैनी खा के थूकेंगे, बोलेंगे ये कमिश्नर खुद की बेटी को नहीं संभाल सकता, वो शहर को क्या संभालेगा? किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। ओके ओके सर चलो। सुना भाई किसे देखा गया? जी नहीं। मैं तो पूछना ही भूल गई कि हफ्ता भर हम लोग रहेंगे कहाँ? हवेली। हेलो कहाँ है तू? पहले मारी बात सुनिए, दवाई टाइम पे ले लेना और मारे अकाउंट में पैसे डाल दीजिए। ओके बाय 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 बाय। हम लोग जा कहाँ रहे हैं? सारी तैयारियां कर ली हैं और पनीर का हलवा भी बनाया है। आ जा गृह प्रवेश कर। क्या घर है? ये पियानो नहीं है, मेरी फ्रेंड है, चल चल। ये खूबसूरत लड़कियों की दोस्त हमेशा बदसूरत क्यों होती है? ओहो तो ये बात है। हीरो लग रहा हूं ना। घर से निकलने का और कोई रास्ता है? बाथरूम से होते हुए हम लोग छत पे जा सकते हैं। ऐसे ही आ गया देखने को, कैसी है तू? सिर में हेडेक हो रहा था तो फ्रेंड ने कहा कि थोड़ा दवा दारू कर और दारू मंगानी पड़ी क्योंकि दवा की दुकान बंद थी। पुलिस किसी भी देश की क्यों ना हो खुद को बहुत शातिर समझती है, पर हीरो का भोलापन और पब्लिक की दुआएं उसे हमेशा बचाई लेती है। प्रिया के पापा क्या हुआ? मेरे पापा इंसान नहीं जल्लाद हैं। यहाँ आ गए तो हमें काट डालेंगे। वो देख कॉकरोच। अरे अंकल अंकल बावले पूछ, मारे को पता था तभी तो दूसरे टेरेस पे हैं। अरे मैगी हाय। गया क्या वो? मच्छर मच्छर कहीं का। एक सेकंड ना। सर फोन। हेलो हेलो सर। दिलीप क्या हो रहा है? वो किडनैपर की टिप मिली थी ना इसलिए आधी रात को उनको ढूंढ रहा हूँ सर, मिलते ही पकड़ लूंगा सर। बाय सर। मैगी हेडेक के लिए दवा पीना, दारू नहीं उससे लीवर खराब हो जाता है, समझी क्या? ओके अंकिल। ए टुम्बा चोर पुलिस खेलने में मजा आ रहा है, रोज खेलेंगे भाई। ए तू चुप कर ना, डर के मारे मेरी पूरी हवा निकल गई है और दो दिन बाद मेरे फाइनल एग्जाम्स भी हैं। किसने कहा थारे को डर के जीने को? बस एक बुरखे का खर्चा वो पहन के घूम, औरतों का एयरप्लेन मोड है कोई नहीं पहचानेगा। ए दे इसको।
एग्जाम का हॉल टिकट। पढ़ाई में मैं जीरो था पर चिट बनाने में एक नंबर। तवा गरम कर, बादाम के पराठे खिला इसको, कल एग्जाम है इसका। प्रिया, where are you? इधर बैठी है, चल मेरे साथ। छोड़ मुझे। आज डॉक्टर डॉक्टर खिले में तेरे को सुई लगाऊंगा। तेरे को पागल समझी है क्या? ए, प्रिया को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? प्रिया, क्या हुआ तुम्हें? मुझे लगा कि मिनिस्टर का पागल बेटा यहाँ आया। मैं उसकी नाक काट दूंगी अगर वो यहाँ आया। टेंशन मत ले, एग्जाम की तैयारी कर। मुझसे नहीं हो पा रहा। मारे को चिकनी चुपड़ी बातें नहीं आती है, पर थारा उतरा हुआ मुंह नहीं देख सकता। चल मूड फ्रेश करते हैं। ए, सीतापुर जाना था तो गीतापुर की बस में क्यों बैठा? ए, घंटी के गुलाम बस रोक। मैं जिंदगी में कभी खड़ी बस में भी नहीं चढ़ी और तुमने चलती बस में चढ़ा दिया। चलती बस में चढ़ गए ये लोग। बोलो कहाँ जाना है? जल्दी बताओ हम कहाँ जा रहे हैं। बस कहाँ तक जाती है? ओह, सारे नल्ले मेरे ही पल्ले। बस जहन्नुम में जाएगी, वहाँ का टिकट दूँ? थारे को पता नहीं बस कहाँ जाएगी, मारे को भी पता नहीं है। तो जब बात बस में ना हो तो ऊपर वाले पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आज तो मारा दिल भी बस में नहीं है। अरे बस क्यों रुकाई? जैसे वो करीब आएगी वो अपने बाल खोलेगी, फिर तुम अपना फ्रेम शूटिंग। अरे आना। हाँ हाँ आती हूँ। वो देख क्या अरे हटना। अरे धक्का क्यों दिया? ए क्या सोच रहे हो? होता तो गले लगा लेता। वो देख स्टॉल में बैठे हुए कैसे दिख रहे। अरे वाह क्या एक्टिंग की, देखा देखा किस करने वाला है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। ए कौन है? ए चलो भागो यहाँ से। और एक्टिंग मत कर, पानी है। ओए बल्ले बल्ले, ओए कुड़ी के हाथ में चूड़ियां पहना दे। यहाँ पर आओ। की विंडो खोलो। गाड़ी वाले से तो पूछ ले। और चेक दो, चेक दो। ऐसा लग रहा है आज चांद खुद गाड़ी में बैठ के चांदनी बिखेर रहा है। ले बेटा खा ले। भूख नहीं है। ए, खा और फिर सोना। नहीं खाना है,
खा लेना बेटा। मन नहीं कर रहा है पापा। मेरे लाल, जब मैं तुझसे दूर था तब तू कितने दिन भूखा सोया मुझे नहीं पता। एक अच्छा पिता होने की जिम्मेदारी मैं नहीं निभा पाया, तुझे अपना बचपन अनाथाश्रम में गुजारना पड़ा, लेकिन अब मैं तुझे भूखा नहीं सोने दूंगा। रात का खाना न खाने से बुढ़ापा जल्दी आता है। तू तो मेरा उगता हुआ सूरज है और तू जानता है ना अभी हमें कितना काम करना है। थोड़ा और लेके आऊं? मारे को कभी छोड़कर मत जाना। तुझे छोड़ के कहां जाऊंगा? लिखा। जब भी कोई माँ के बारे में पूछता तो माँ का फोटो दिखा देता था। जब भी माँ की ममता की जरूरत पड़ती आपका दामन थाम लेता। उसके साथ फिर झगड़ा हुआ क्या? मुझे तो बताना। प्रिया के बिना ना जी सकूं। तो फिर प्रिया ही मेरी बहू बनेगी। देर हो गई है, अब सो जा। हेलो कमिश्नर। हेलो हेलो मंत्री जी। हेलो। मेरा बेटा तेरी बेटी से बात करने के लिए फड़फड़ा रहा है, उसे मेरे घर पे भेज दे। मंत्री जी वो प्रिया किडनैप हो गया। नहीं नहीं नहीं, वो क्या हुआ, वो प्रिया को अर्जेंट पिकनिक जाना पड़ा। अगले हफ्ते उसकी सगाई है, कैसा बाप है उसे पिकनिक पे भेज दिया। वो कल आ जाएगी मंत्री जी, एक सेल्फी लेके आ जाएगी कल। ठीक है, सिर्फ 7 दिन बचे हैं। ओके मंत्री जी। क्या हुआ सर? बेटे की पैदाइश पे लोग खुशी से पागल हो जाते हैं, इस पागल की पैदाइश पर मैं दुख से पागल हो गया। आगे मुसीबत है। आपसे कट्टी, अब हैप्पी बर्थडे नहीं बोले? पिछले महीने ही तो मनाई थी बर्थडे पार्टी, आज भी बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरा बर्थडे गिफ्ट? बर्थडे गिफ्ट पापा भूल गए। हाँ बेटा, इसलिए मैं खुद लेके आया। अबे क्या ले आया? गिफ्ट किधर है? मेरे पिच्चू। पुलिस की वर्दी में लपेट के लाया है, कौन है ये? मेरे भाई को मारेगा, लगी तो नहीं भाई। आज से तू मेरा भाई, तुम्हें इसको बेटा बना। कुछ गर्दन भी तोड़ेगा। पापा डू यू लव मी? इंग्लिश? या फालतू का बंद कर और फोन रख। दादा हमारा बीबी हमारा रोज दिमाग खा रहा है, मैं सोच रहा उसको डिवोर्स दे देगा। अबे इतना चिल्ला क्यों रहा है, देखता नहीं बच्चा डर रहा है? टकलू अंकल पागल। ए तू इधर कैसे? सलाम भाई। दादा दादा इसी ने हमको बचाया था, इसके पास डबल दिमाग है। इसको पापा ये कहीं नहीं जाएगा, इसको पुलिस स्टेशन घर में ही बना देना है। ओके ओके। पापा प्रिया कहाँ है? प्रिया वो तो चलो 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 जल्दी, अगले 10 मिनट में सारे पुलिस स्टेशन पे इसकी फोटो जानी चाहिए। चलो भागो भागो, और तुम हाथ चलाओ। चलो जल्दी, 10 मिनट नहीं सिर्फ 5 मिनट है अभी। सर 5 मिनट में इसका स्केच सारे पुलिस स्टेशन में होगा। हाँ? ये जरूर पकड़ा जाएगा। क्या? हाँ सर। तेरा प्रमोशन पक्का। जा मिठाई लेके आ, जा मालपुआ। क्योंकि वो सारा किडनैपिंग कोई और नहीं मैं ही करता हूँ, इंस्पेक्टर शर्मा। वो एमएलए और बाकी लोगों की किडनैपिंग मैंने ही करवाई थी। भाई लागू ससुर जी, थारे को जब भी फोन करूं फोन काट देते हो, अपनों से क्या शिकवा? पर अगर आपने अपनों को भूलने की गलती की तो मैं मीडिया का सगा बन जाऊंगा, मेरा ससुराल होगा न्यूज चैनल। इन शॉर्ट अगर मारा सस्पेंस खुला तो थारी फिल्म भी रिलीज हो जाएगी। एक आखिरी बात ससुर जी, रन राजा रन, रिपोर्टिंग जय हिंद। रुक जाओ, काम बंद करो, फोटो अपलोड मत करो, किसी को मत भेजो, काम बंद करो। सर अगर सारे सिस्टम एक साथ बंद कर दिए तो प्रॉब्लम हो सकती है। मेन स्विच किधर है? बाहर है सर। हट जाओ, बाजू लावा, चल। ये क्या, वन मानुष का फोटो भेज दिया?
आइला मेरे साथ अभी से मंदिर ब्रो, प्रिया को तूने मंदिर में क्यों बुलाया? अगर किसी ने देख लिया तो तेरी घंटी बज जाएगी। सर वो काजू कतली लाया हूँ। ठीक है सर, बाद में खा लेंगे। सर अगर प्रिया मैडम के करीबी दोस्तों से पूछताछ करेंगे तो वो जरूर मिल जाएगी। शाहरुख तेरे को एक केस देता हूँ, लड़का लड़की अगर भाग जाएंगे तो कहाँ छुप के बैठेंगे? सर कोपचे में। सर तू लड़की भगाता तो कहाँ छुपाता? मैं उसे टॉयलेट में बंद कर देता। शाहरुख तू गलती से पुलिस में आ गया, तेरी तो चपरासी बनने की भी औकात नहीं है। नजदीक की चीजें दिखाई नहीं देती, इसलिए प्रिया को उनके आसपास ही रखूंगा। आइला अगर तू पकड़ा गया तो लड़की सेफ हो जाएगी और तू दुनिया से साफ हो जाएगा, छोड़ दे उसे। अरे थारे को क्यों फुकफुकी मची है यार, जब दिल्ली उसको दे दिया है तो जान अपने लिए रखे क्या करूंगा। ओए बावली पूछ, प्यार कोई मल्लपा की खीर नहीं है। ए सामने देखो, बोला ना सामने देखो। सॉरी भगवान, देवी के चक्कर में देवता को भूल गया। सॉरी सॉरी सॉरी। मेरा काउंटडाउन शुरू हो गया है, मिनिस्टर मेरा एनकाउंटर कर देगा। एग्जाम के लिए अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? ये क्या है, एग्जाम हॉल टिकट? तुझे तो ऑस्ट्रेलिया जाके पढ़ना था ना। मुझे राजा के बिना कहीं नहीं जाना। सर दिलीप इस वक्त यहाँ आ सकते हो? हाँ सर। तो किडनैपर केस कहाँ तक पहुँचा? बोले से तर बहुत दूर तक पहुँच गया सर। कल मैं मंदिर गया था नारियल चढ़ाने, भगवान की दया हुई तो राजा मिल जाएगा। अब ये राजा कौन है, किडनैपर है क्या? नहीं नहीं, वो पत्तों का राजा, वो कल मैं ताश खेल रहा था ना तो राजा नहीं आया तो 50 रुपए हार गया, बाकी कुछ नहीं। सर हाँ तो वो कल वाले केस का क्या हुआ? देख नहीं रहे क्या, मीटिंग चालू है, चल भाग। लगता है आपकी गर्लफ्रेंड है। सर आपको फ्री में हनीमून पैकेज मिल रहा है। नहीं चाहिए। शाहरुख शाहरुख प्राइम मिनिस्टर का फोन हो तब भी मत देना। ठीक है मैं उनको अपनी मन की बात बोल दूंगा। सर अगर अर्जेंट हुआ तो बोल देना मैं कोमा में हूँ। अच्छी एक्टिंग करना। कोमा? हेलो बापू कहाँ है? सर तो कोमा में चले गए। क्या कितने अच्छे थे वो, जल्दी पकड़ लेंगे सर। दुआ करना कोमा से जल्दी बाहर आ जाए। ओके सर मैं निकलता हूँ अभी। दिलीप जरा काम पर ध्यान दो। ओह साहब ये बता तू कभी कोमा में गया है क्या? मेरी दादी वहीं रहती है। हम लोग भी चलेंगे, बहुत अच्छी जगह है वो। अरे अरे अकेले कहाँ जा रहे हैं, अरे मुझे भी साथ ले जाना। काय को दांत दिखा रहा है फिर से? ए मेरे को भी हंसना, अकेले काय को हंस रहा है? सर उनको यकीन हो गया कि हम कोमा में चले गए। किसको? प्रिया आपकी बेटी। हेलो 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 हेलो, प्रिया 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 सुन, एक काम कर जल्दी से ऑटो पकड़ और पुलिस स्टेशन जा, उन्होंने कुछ पूछा ना तो मेरा नाम बोल देना सीधा। अरे ऑटो में जाए थारे दुश्मन ससुर जी, मेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी है ना। प्रिया तो दबा के नाश्ता कर रही है, मारे से मिलने के बाद वजन बढ़ गया उसका, कहीं उसका पेट निकला देखो तो मुझे गलत मत समझना, अभी तक मैंने कुछ नहीं किया। ससुर जी नाम भी सोच रखे हैं, बताऊं? ये राजा तो जान लेके रहेगा मेरी। अजीब सा कॉलर ट्यून है। सर सर अरे बोलना। कल आपकी बेटी की सगाई है ना, आप मिनिस्टर साहब को बोल दीजिए कि आपकी बेटी किडनैप हो गई है। सर मेरी फ्यूचर बहू किडनैप हो गई और तूने मुझे अंधेरे में रखा। इतना पावर है तेरे पास फिर भी तू उसका कुछ नहीं उखाड़ पाया। ये एक आदमी का काम नहीं है सर। हेलो सर आपके लिए। मेरा फोन? हाँ सर। हेलो क्या बात है, फोन नहीं उठा रहे, बैटरी लो गई है क्या? किडनैपर का फोन है। स्पीकर में, स्पीकर में डाल, स्पीकर में। थारे ने फोन नहीं उठाया तो थारे चमचे को फोन लगाया। थारे मापदंड के हिसाब से किडनैपिंग की है। मैं तो बोलता हूँ किडनैपिंग स्कूल खोल दो, बहुत कमाओगे। आप भूल गए? अरे वही 3 बातें,
पहली बात, बड़े आदमी के घर हाथ मारना। दूसरी बात, एक हफ्ते तक हाथ में नहीं आना। और तीसरी, बेटी की जान प्यारी है तो 5 करोड़ तैयार रखना। अगर कोई चालाकी की तो उसे सिंगल से डबल कर दूंगा। प्यार से क्या नाम दिया था? राजा, रन राजा। मुर्गी से भी ज्यादा तेज, विजय माल्या से भी बड़ा फ्रॉडी। ढूंढते रह जाओगे, पकड़ नहीं पाओगे। आई प्रॉमिस, इसको पकड़ के रहूंगा। अबे तू क्या पकड़ेगा, मैं पकड़ूंगा। हे राजा, अब तक तो तूने बहुत खा लिया खाजा, अब मैं बजाऊंगा तेरा बैंड बाजा। आइला, क्या एनर्जी है तेरी। आइला, आइला एक लोचा है, पैसे उठाते वक्त थंबू हो गए तो। आजकल शहर में किडनैपिंग हो रही है। आइला, आइडिया। चल। हाँ नेताजी, हम जानते हैं आपकी बहुत मेहनत की कमाई है। अरे पाई पाई लाकर आपके कदमों में रख देंगे। हाँ, अरे भैया से उड़ा रहे, पतंग तोड़ रहे हमारा टांग। भाग ससुरा, गिरे गाली दे रहा क्या? अरे हम क्यों देंगे, वो तो जनता देती है ना। बताइए पैसा किसे दें? हमको प्रिया भी चाहिए और पैसा भी। ठीक है। 10 साल से हमको गाँव जाने की छुट्टी नहीं दी। उठो बे। भाई बहुत बड़ी है हमारी फौज, इतनी तो बॉर्डर पर भी नहीं होगी। इज्जत के साथ पैसा वाला बैग सामने टेबल पर रख दो, नहीं तो कुकुर की तरह मारेंगे। हमको कुकुर बोला, इसको छोड़ेंगे नहीं, बर्बाद कर देंगे। टेबलवा कहाँ है? ए, पैसा टेबलवा पे रख दे। अब क्या करें? अरे जो बैग लेने आएगा उसको पकड़ लेना। बाबू मुशाय की बोलची दादा, हमें सुनते पारबो ना। अरे अपने से ज्यादा बैग का ध्यान रख। आए ए देख चिट्टी दादा, रजनीकांत बैग लेने आए हैं। रजनीकांत ने बैग ले लिया। अब रजनीकांत कहाँ से आ गया? ए चुप, जहाँ से कोई नहीं आता वहाँ से आता है रजनीकांत। ए किसी देसी ठेके से पीके आया है क्या? बदबू आई क्या? अब ये सब छोड़, बैग का ध्यान रख। रजनी सर लेंगे तो मैं मना नहीं करूँगा। रजनी सर तेरे चाचा है क्या? ए, रजनी सर पैसों का बैग सच्ची में ले गए। अरे रजनी सर रुकिए, एक सेल्फी तो बनता है। रजनी सर गए, अमिताभ बच्चन आ गए। वो तो स्वच्छ भारत की एड में बिजी है। ए बंकर, ए नचनिया, डांस बंकर, चल हमारे साथ। ए उधर से आ, जल्दी आओ। कहाँ गया? घूंघट की आड़ में कोई है। ए मुखड़ा दिखा। मंत्री जी, साक्षात ब्रह्मानंद जी, बाबू मोहन भी है। जो भी है सबको पकड़ लो। इनको एयरपोर्ट छोड़ने आए होगा, चल। अरे वीवीएन रिचर्ड्स की औलाद, प्रॉब्लम क्या है? बहुत जोर से आई है। अरे तो थैली बांध ले, जाना नहीं पड़ेगा, चला। मोदी और सोनिया एक साथ गठबंधन हो गया क्या? लगता है बैठक यहीं बनेगी। ईका बैग, लगता है आईपीएल मैच होने वाला है। हम फाइनल मैच देख कर आता हूँ। तब तक मेरा गेम ओवर हो जाएगा। अरे नहीं होगा, हम फिक्सिंग करेंगे। अरे कल्लू चोरी करने बिल्डिंग में घुसा, तेरी तो बहुत क्या छुड़ाया। हाथा की हथौड़ा। मुन्ना भाई, बैग यहाँ पर है। अब तो हम गांव जा कर रहेंगे, बैग मिल गया है। उसे खोल के देख। अरे देखना कहा है, कोई संत महात्मा का फोटो थोड़ी ना होगा। नेताजी, हाँ हम तक गांव नहीं जा पाएंगे, आप ही चले जाइए। गुड मॉर्निंग सर। इतना क्या अर्जेंट काम है रे? प्लीज 2 मिनट के लिए आइए सर। गुड मॉर्निंग सर। सुपर बात सर, ये उसी किडनैपर की आवाज है जिसने पीआई शर्मा का किडनैप किया था। एक सेकंड। अरे वाह, कड़क कड़क। ये आवाज चिंगप्पा के किडनैपर की आवाज है सर।
दोनों सेम है तो क्या करूं? आइला भाई, अपने को कैश मिल गया है। क्या? रुक, मैं वहीं आता हूँ। अब ये आवाज सुनिए, ये तब रिकॉर्ड किया था जब राजा ने मेरे फोन पर आपसे बात की थी। ये सारी किडनैपिंग राजा ने ही करवाई है सर। आयला, छक्का मारा तूने सचिन की स्टाइल में। आपके दिए मेजरमेंट के हिसाब से किडनैपिंग की है। नहीं आऊंगा हाथ में। आट लग गई धंधे की, राजा को नहीं छोड़ूंगा। हेलो अंकल, क्या तुमने मुझे पैसों के लिए किडनैप किया? ये सच है ना? और अब तक हमारे बीच जो भी था, क्या वो झूठ था? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ राजा। मंत्री जी, मेरी बेटी मिल गई। गुड न्यूज, बहू मिल गई है। फिर से किडनैप हो जाए उससे पहले एंगेजमेंट कर लेते हैं। किडनैपर बैठा है, बाद में बात करते हैं। शे, मैं तेरे को छोड़ दूंगा, तू ऐसा सोच रहा है क्या? ऐसे हंस रहा है जैसे शादी के मंडप में बैठा है। जिंदगी में पहली बार किसी ने गिर पड़े को टोपी पहनाई। ये गन मेरे को अंग्रेजों ने दी थी इंडिया छोड़ते वक्त, और बोले थे कि गद्दारों को इसी गन से ठोक देना। गया तू? तेरी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। आगे बोल। शुक्र है वो तुझ पे नहीं गई। आखिरी लाइन बोल। माना इलीगल है पर दहेज समझ के रहने दे मेरे पास। पंडित मत बुलाना, खून से उसकी मांग भर दूंगा। ऐसा दामाद पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा ससुर जी। तेरी तो खोपड़ी उड़ा दूंगा। हाँ मंत्री जी, अभी फोन देता हूँ। सर, मंत्री जी का फोन है। हाँ मंत्री जी। पापलो, पापलो डॉगी, वेयर आर यू? पापलो का बेड? अगली बारी तेरी है गोविंद राजू। क्या है? जब हम किडनैप हुआ था तब हमको भी ऐसी चिट्ठी मिला था। अब तुम्हारा बारी है दद्दू। इस सब के पीछे किसका हाथ है? सर, ये अकेला तो नहीं हो सकता, इसके साथ और भी लोग होंगे। सर सर, हम प्लान के हिसाब से ही जाएंगे। अगर इसका एनकाउंटर करेंगे तो बेटी की नजरों में आप जीरो बनेंगे और लोगों की नजरों में वो हीरो बन जाएगा। ससुर जी, थारी बेटी तो मारी होगी। सर, इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, आप शादी पर फोकस कीजिए, इसे मैं देख लूंगा। सर, अगर मेरा प्लान कामयाब रहा फिर मेरा प्रमोशन तो बनता है सर। इसी महीने में उस पागल की शादी भी कर देंगे। जल्दी से प्लम्बर को भेजो ना भाई, मंत्री जी को नहाना है। जल्दी से सब तैयारियां पूरी करो। क्या कर रहा है? अभी तेरा दामाद यतीम हो जाता।
उसे मैंने पकड़ लिया है, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? एक पिल्ले को पकड़ने से कुछ नहीं होगा, उन लोगों ने पूरी फौज बना रखी है, सुरक्षा हटी दुर्घटना घटी। करेक्ट। हाँ भाभी जी, आप मसाला पानी की टंकी कहाँ लगानी है? हाँ, टेरेस पे जाओ, टैंक उधर ही पे रखा है। अरे कितना टाइम और लगेगा? अरे हो गया साहब, बस टांकी बिठाने का है। हाँ ठीक है ठीक है, भाई जल्दी करो। एक मिनट, मुकुंद, मुकुंद, क्या हुआ सर? सर, सर, पूरा घर ढूंढ लिया लेकिन मुकुंद कहीं नहीं है सर। अरे आग के बहरे कान के अंदर दूर हो जा। मुकुंद यहाँ नहीं है सर, उसका किडनैप हुआ है। उसने तो कहा था कि मुझे किडनैप करेगा, फिर मेरे बेटे को क्यों उठा ले गया? सर, कौन है वो? सर, उसने आपको टारगेट करने की बात की थी, किडनैप करने की बात नहीं की थी सर। ए, पुलिस वाला है ना तू? तू क्या झक मार रहा था क्या? हमारे साथ गेम खेल रहा है, हमको गाना समझा है? ए, ठहरो, नईम, कंट्रोल। नईम, शहर में हर जगह नाकाबंदी लगा दो, सारे होटल्स रिसोर्ट्स छान मारो, एक भी छूटना नहीं चाहिए, ओके? किसी भी तरह की लापरवाही मत करना। यस, जाओ। ओके सर। जल्दी रामू लेफ्ट से लो। अरे लेफ्ट में क्यों, हमें तो राइट जाना है ना। रामू बोला ना लेफ्ट से। अरे प्रिया कहाँ जा रही हो? अंकल, अंकल, मुझे किडनैप करा के जो पैसे मिले थे वो कम थे क्या, जो आपने मिनिस्टर के बेटे को किडनैप करवा लिया? और कितनी किडनैपिंग करवाएंगे? ये हराम की कमाई आखिर आप कब तक खाएंगे बताइए? बड़ों से ऐसे बात करते हैं क्या? आज मुझे सच्चाई से पर्दा उठाना ही पड़ेगा। भाभी से प्लीज कुछ मत बताओ। अब मैं चुप नहीं रह सकती, इसका जानना जरूरी है। जिन्हें तो किडनैपर कह रही है पता है कौन है? एक जमाने में ये पुलिस ऑफिसर हुआ करते थे। तुम्हारे पापा और प्रकाश अंकल में बहुत गहरी दोस्ती थी। रख लो ना, मेरा काम कर दो। नहीं नहीं नहीं, नहीं चाहिए। साहब रख लो ना। क्या कर रहे हो साहब? गाना नहीं चाहिए। साहब चुपचाप रख लो साहब। अरे मैंने कहा ना मैं रिश्वत नहीं लेता हूँ, चल जाए यहाँ से। पुलिस स्टेशन में जो भी ईमानदारी से काम करता, प्रकाश अंकल उसे अपना दोस्त बना लेते थे। उस समय शहर में आए दिन किडनैपिंग्स हो रही थी और पुलिस वालों के लिए ये बड़े ही शर्म की बात थी। सर, ए पार। सर क्या हुआ खालिद? एमएलए किडनैप हो गया है। क्या? जी सर, एमएलए गोविंद राजू को किडनैप कर लिया गया है। पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी गई है सर, हम उन्हें बहुत जल्द ढूंढ लेंगे। बर्थडे के दिन भी कोई ड्यूटी करता है क्या? और क्या करूं यार, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। सर उस ड्राइवर को उठा कर लाया हूं जो गोविंद राजू के साथ था। बोल, एमएलए को किसने किडनैप किया? बोल, बोल जल्दी। सर एमएलए को किडनैप करने वाला कोई और नहीं बल्कि इतना पैसा हम लोग नहीं दे सकते। तो और क्या करें, उन्हें छुड़ाना तो पड़ेगा। ए वर्ती, ये क्या बकवास कर रहा है? ए नेताजी को छुड़ाओ नहीं तो हम भूख हड़ताल कर देंगे। आप बैठ जाइए सर, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। सर आपको हाईकमान से बात करनी ही पड़ेगी। ठीक है। किडनैपर ने तो फार्म हाउस पर पैसे मंगवाए हैं, तो एमएलए के गेस्ट हाउस पे क्यों जाने का? इस किडनैपिंग को करवाने वाला और कोई नहीं, खुद एमएलए गोविंद राजू है। ये सब गवर्नमेंट के सैंक्शन अमाउंट को हड़पने के लिए किया गया है, ताकि उन पैसों से वो इलेक्शन लड़ सके। तुम सबको लेके एमएलए के यहाँ पहुंचो। ए प्रकाश, गन। थैंक्स यार। सर सर, ऐसा ही प्रकाश घुस के हमारे आदमियों को मार रहा है। अरे चुप, सब चेहरा छुपा लो। आ गए ऑफिसर, वो बैग इन लोगों को दे दो वरना ये लोग मुझे गोली मार देंगे। भाई इसमें पैसा नहीं है, सिर्फ फाइल है। आ? ये सब तुम्हारे गुनाहों के सबूत है, इन्हें मैं पूरी दुनिया के सामने लाऊंगा।
तेरे जैसे नेताओं को जीने का कोई अधिकार नहीं है। मैं रिपोर्ट में लिख दूंगा कि किडनैपर्स ने तुझे मार डाला। उस गन से गोली नहीं निकलेगी प्रकाश। ए प्रकाश गन। थैंक्स यार। किसी चिंदी को किडनैप करके ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने पॉलिटिशियन को किडनैप किया ताकि माला माल हो जाए फटके में। सही कहा। किडनैपिंग तो हो गई, हम कामयाब भी हो गए, लेकिन इस इल्जाम को अपने सर पे लेने के लिए एक बकरा चाहिए था, और वो बकरा तू है। आई बात समझ में? गद्दार है तू। अरे सुनो मंत्री जी, मेरे पकड़ो उनको। ए प्रकाश को मत छोड़ना। ए जल्दी उसे ऊपर ले जाओ, जाओ जल्दी। खालिद हटाओ कर, शूट कर दे उसे, मार गोली। क्या हो रहा है ये सब? ए खालिद उठ, उठ खालिद। ए खालिद उठ ना। क्यों किया तूने? हैप्पी बर्थडे सर। खालिद ये क्या किया तूने? तमाम गवाहों और सबूतों को देखते हुए ये अदालत सत्य प्रकाश को किडनैपिंग और कत्ल के जुर्म में दोषी मानते हुए उसे 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाती है। ए! पूरी जिंदगी ईमानदारी से काम किया, पर इन्हें झूठे इल्जाम में फंसाकर जेल भेज दिया गया। बाप के होते हुए भी राजा ने एक अनाथ की तरह जिंदगी बिताई। अब पैसों की चिंता मत कीजिए, बस राजा की अच्छे से परवरिश कीजिएगा। ठीक है मैडम। सर सर ये देखिए क्या है। सर ये तो मुकुंद की चैन है सर। मुकुंद चाहिए तो 15 करोड़ रेडी रखो। तुम मंत्री जी का ख्याल रखना, इसे मैं देख लूंगा। ओके ओके सर। अपने किडनैपर्स के स्केच मांगे थे ना? हाँ सर। नमस्ते सर। सर सीसीटीवी कैमरा का फुटेज आ गया है सर। लगा है। रुक रुक रुक, रिवाइंड कर रिवाइंड कर। हाँ प्ले कर प्ले कर। हाँ धीरे धीरे, बस 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 पॉज पॉज। ए सर राजा यहाँ है तो लॉकअप में कौन है? ये तो रिकॉर्डेड टेप है, जल्दी पता लगाओ किसने अपने को ये टोपी लगाया। सर मुझे बहुत जोर से आई थी फिर भी नहीं गया। इधर कोई आया था क्या? कोई नहीं आया सर, मैं तो टॉयलेट तक रोक के रखा हूँ, इसलिए पूरा कमरा बदबू मार रहा है। सर 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 नईम सर आए थे जब हम लोग सब चाय पीने गए थे। नईम मिनिस्टर साहब के घर पे था, यहाँ कैसे आ सकता है? अरे ये तो मेरा फेवरेट हीरो है, इसको भी मीटू में बंद कर दिया क्या? ये तो किडनैपिंग फिल्म का पोस्टर है। फिल्मी स्टाइल में मेरे को टोपी पहनाया। किडनैपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए। एक आदमी ये सब नहीं कर सकता। देख तो किसका फोन है। वो पैसे का बैग नईम को मत देना। ठीक है। कौन था फोन पे?
उन्होंने जल्दी पैसे मंगवाए सर। अबे तो क्या पैर से भी गिनूं? 15 करोड़ में कितने जीरो होते हैं उसे पता है? टाइम तो लगेगा। अरे टेंशन क्या दादा, ऊपर 500 करोड़ पड़ा है। अरे चुप कर टकले, पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेगा। संभल के जाना, इतना पैसा तुम कभी देखा नहीं होगा। मैं संभालूंगा सर। ए पुलिस वाले, तेरे पे भरोसा करके तुझे 15 करोड़ दिए, मेरे बेटे को सलामत घर लेके आना। टेंशन मत लो दादा, ऊपर गॉड है तो नीचे नहीं मैं, काम हो गया समझो। साहब नमस्ते, कुछ लाऊं क्या? एक कटिंग। एक नहीं दो। हाँ बैठ जा यार। अरे आ जा। वाह कड़क, लोग बदल गए हैं पर चाय का स्वाद बिल्कुल वही है। शहर में किडनैपिंग की घटनाएं फिर से बढ़ गईं। पुलिस झक मार रही है क्या? पेपर नहीं पढ़ता? क्या बात है, इस बार कोई दूसरा बकरा तुझे मिला नहीं क्या? सुधरेगा नहीं तू। किडनैपिंग के लिए इस बार जो तूने बकरा चुना है ना, वो कोई और नहीं, मेरा बेटा है, राजा, राजा हरिश्चंद्र प्रसाद। तू ये सोच रहा है ना कि जब तूने प्लान इतना सॉलिड बनाया तो गड़बड़ कहां हुई? दरअसल इस बार प्लान मैंने बनाया, इसीलिए प्लान फेल नहीं हुआ। अपने डिपार्टमेंट के आदमियों से किसी बिग शॉट को किडनैप करवाएंगे। जिसने तुझे प्लान बताया ना, वो और कोई नहीं बल्कि खालिद पाशा का बेटा है, नईम पाशा। अरे पार्थ, मैंने चाय के पैसे यहां रख दिए। ठीक है साहब। मैं किसी का उधार बाकी नहीं रखता। गुड बाय। साहब ये आपके लिए कोई देके गया है। ससुर जी, टीवी पर आपका परफॉर्मेंस एकदम कड़क लग रहा था। बेस्ट क्रिमिनल का अवार्ड आपको जेल में मिलेगा। रन राजा। शहर में होने वाली किडनैपिंग्स के जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि केस की तहकीकात करने वाले कमिश्नर दिलीप गिर पड़े खुद ही हैं। इंस्पेक्टर शर्मा, वो एमएलए और बाकी लोगों की किडनैपिंग मैंने ही करवाई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, इस राज को जानने वाले हर शख्स को उन्होंने मार दिया और अपने फार्म हाउस में दफना दिया। पुलिस को उनके फार्म हाउस से कई लाशें मिली हैं जिनकी शिनाख्त की जा रही है। आगे की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। इसके पहले कि मैं अरेस्ट हो जाऊं, मैं खुद को खत्म कर देता हूं। तेरे पाप सिर्फ इन बुलेट से नहीं धुलेंगे, तुझे सजा भुगतनी होगी। साहब प्लम्बर आ गया है। सॉरी साहब थोड़ा लेट हो गया मैं। तुमने अपना आदमी भेजा था ना? साहब मैं वन मैन शो है, किधर आदमी रखेगा। तो वो कौन था जो ऊपर गया था?
पापा। यहाँ बाथ टब में क्या कर रहा है? पापा आपको क्या लगता है कि मैं पागल हूँ? अगर मौका मिलेगा ना तो मैं आपको भी बेच दूंगा। मेरे को पता चल गया आप पैसे के लिए किडनैपिंग कराते थे और अभी आप पैसों के लिए मेरी किडनैपिंग कराने वाले थे ना। ये बकवास तुम्हें किसने बताई? मेरे पुलिस भाई नईम ने बताया। मतलब बाथरूम में जो करोड़ों छुपाए थे वो भी गए? नहीं नहीं यार, रुपयों का ढेर था। अरे था पापा, अब नहीं है। आपको पता है ना, ज्यादा पैसा घर पे रखना सेफ नहीं होता, इसीलिए। और पैसा है क्या? सब खत्म हो गया। मैंने अच्छा किया ना पापा, अगला मिनिस्टर मेरे को बना रहा है। यहाँ मेरी बर्बादी का तमाशा देख रहा है? अरे जाकर ऊपर पानी का टैंक चेक कर। पापा चेक। मेरा कैश मेट हो गया। मंत्री गोविंद राजू भी इसमें शामिल है और एमएलए चिंगप्पा। दादा हम सब बर्बाद हो गया, कमिश्नर ने हमारा नाम बोल दिया। सर वाटर टैंक में 500 करोड़ क्या 5 रुपया भी नहीं है सर? अरे गोली निकली गई। देर किस बात की है? लेट्स गो। पत्थर से मारेंगे जख्म भर जाएगा, ऐसा जख्म देंगे जो जिंदगी भर नहीं भरेगा। तूने अच्छे से मैनेज किया। हम दोनों ने किया। अरे जल्दी आना। सच में लगी क्या? नहीं एक्टिंग कर रहा हूँ। अबे कौन हो तुम लोग? अजनबियों ने अपनी पहचान छुपाते हुए एक अनाथाश्रम को 500 करोड़ रुपए दिए। आज के दौर में ऐसे महान लोग हैं यकीन नहीं होता। हाँ बोलो। सोच रहा हूँ गाड़ी बदल दूं, वरना दूसरा कोई और ऑटो समझ के बैठ ना जाए। मैं क्या बोल रही हूँ और तुम क्या बात कर रहे हो? एक सेकंड बावली पूछ। आए ये यहाँ क्या कर रही है? मूवी लेके चलना। दूसरी बता, और कितनों की जिंदगी बर्बाद करेगी? जब इसकी बाइक बिकवा कर कंगाल कर देगी तभी तुझे चैन आएगा, है ना बोल? ए, क्या बोल रही हो? अरे जानू जानू शांत, यही तो प्रिया है, मैंने बताया। ये तो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है ना, मेरे सामने इसे जानू बोल रहे हो? अरे नहीं, इसका नाम जानू है, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड नहीं है। क्या बोल रहे हो? सच, ये जानू है? अरे ये मेरी ट्यूशन फ्रेंड है। ए, मुझे कंफ्यूज मत करो, साफ साफ बताओ। बमाई चाहूं तो इसे अभी किडनैप कर लूं, पर इसे तो मैं प्लान बना के किडनैप करूंगा। किसी से प्यार का नाटक कर और पापा को ऐसा दिखा कि तुझे सच्चा प्यार हो गया, फिर उसे यूज करके छोड़ दे। पर ये बताओ ऐसा बकरा मुझे कहाँ मिलेगा? बलि का बकरा बनना ही पड़ेगा। मेरी परी प्रिया परी सुनो तो। अरे एक सेकंड ना बुज्जी, आई लव यू बुज्जी। बुज्जी ना, उसके पास जाएगा? आ जाऊंगा, उससे प्यार करता हूँ। तो मुझे कौन प्यार करेगा? अब मैं बताती हूँ। रन राजा।